लोग हैं आज के वेबिनार में होना चाहिए, तो कुछ कनेक्ट नहीं हो पाए। हाँ, तो टीम को लेकर चैलेंज क्या है, कौन शेयर करेगा? करंट चैलेंज हमारे को क्या आ रहा है टीम के लिए? सलमान भाई, गुड इवनिंग। जी कपिल अरोड़ा। यस कपिल जी, गुड इवनिंग, बताइए। सबसे बड़ा चैलेंजेस तो है कि मैन पावर टिकती नहीं है। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं हम लोग, मैन पावर को तैयार करते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैन पावर छोड़ के चली जाती है। एक ये मेजर चैलेंज कंसर्न आपका? ये। हाँ जी। ओके ठीक है, फिर ठीक। दूसरा दूसरा है एक स्किल्ड मैन पावर का मिलना। ओके ठीक स्किल मैन पावर मिलती नहीं है इजीली, तो है, ठीक ये दो मेन कंसर्न हैं जो मेरे को लगते हैं अभी हाल फिलहाल। है। ओके डन, कोई और कौन शेयर करेगा? हाँ, और कौन शेयर करेगा? ठीक हेलो हेलो। जगन्नाथ जी, बोलिए। हाँ, इन द करेंट सिनेरियो, इन द कोविड एंड जस्ट गेटिंग अनलॉक्ड एंड ऑल द स्टफ, द बिगेस्ट चैलेंज इज कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इन पीपल। पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी स्केर्ड। टीम इज वेरी स्केर्ड नॉट टू मूव इन टू द मार्केट, नॉट टू कम इन टू द ऑफिस। दे आर स्केर्ड, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एट दिस मोमेंट। ओके ओके I'm from ठीक है। Pune, so in Pune the thing is bad, but at the same time people are very scared and basically communicating with each other is biggest problem. ओके फाइन, थैंक यू। तो हम लोग सेशन को बिगिन करते हैं 6-5 के। अपने क्वेश्चंस लिख के रखो और Q&A सेशन हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। और जो हम चीजें जो भी अभी कपिल भाई ने या जगन्नाथ भाई ने जो सवाल किए हैं, मुझे उम्मीद है जब हम सेशन को बिगिन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें टीम बिल्ड क्यों करना है, टीम क्यों बिल्ड करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें ये समझना है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे को बहुत सारे काम करना होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज रहती है हमारे काम की, अलग अलग टास्क रहते हैं, राइट? तो हमें हर काम नहीं करना है, राइट? हमें सर्जन बनना है, जीपी नहीं बनना है। जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर नहीं बनना है, राइट? जनरल प्रैक्टिशनर क्या करता है, गली में एक डिस्पेंसरी खोल के बैठता है और हर एक पेशेंट को चेक करता रहता है, राइट? तो हमें वो सारे काम नहीं करना है, हमें सर्जन बनना है, हमें सिर्फ सर्जरी करना है, राइट? सर्जरी करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को लाना पड़ता है, पेशेंट का फॉर्म भरना पड़ता है, पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है, राइट? उसके बाद में सर्जरी करते हो। आपको क्या करना है, वो सारी जो चीजें है ना, बैकएंड में जितनी चीजें हो रही है वो आपका टीम करेगी, आप नहीं करोगे। क्लियर है? लेकिन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर है, एनेस्थीसिया के बाद भी आप खड़े हो, कितना देना है कितना नहीं देना है, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, राइट? तो अभी हो क्या रहा है, हर जगह पे परचेस में, हर एक डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन में, हर एक जगह पे मेरा इन्वॉल्वमेंट होना होना पड़ रहा है क्योंकि टीम केपेबल नहीं है। तो राइट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में मैं ज्यादा सर्जरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, कंप्लीटली मुझे क्या करना है, उन कामों को छोड़ना पड़ेगा। डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कौन कौन से काम मुझे छोड़ना है। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो इसमें पीपीटी में नहीं दिया है, पीपीटी तो मैं शेयर करूंगा आपसे, तो कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। तो पहला लिख लो, आपको नॉट टू डू लिस्ट बनानी है। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, कल के लिए मैं क्या काम करूंगा, टू डू लिस्ट से पहले बनाओ नॉट टू डू लिस्ट फॉर लाइफ। लाइफ में एज ए बिजनेस ओनर मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, राइट? तो मैं ये काम को छोड़ने वाला हूँ, राइट? लाइफ में एज ए फादर मैं ये काम नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा मैं। एज ए मदर मैं ये सब काम नहीं करूंगी, एज ए हाउसवाइफ मैं ये काम नहीं करूंगी। तो राइट नाउ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन से काम आप छोड़ने वाले हो। क्लियर है? अगर है तो टाइप इन द चैट बॉक्स यस। राइट, तो मैं अपने बिजनेस में अगर मैं देखूं तो मुझे वेबिनार में लाने के लिए पहले मेरे को डेटाबेस निकालना पड़ता है, फिर मेरे को कॉल करना पड़ता है, फिर मुझे SMS भेजना पड़ता है। ये सारे काम मैं नहीं करूंगा। आज से कुछ साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, हर एक चीज मैं करता था,
जस्ट डायल पर वाले से बात किया मैंने, जस्ट डायल पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फिर जो लीड आ रही है वो मैं निकालता था, मेल में से कॉपी करता था, अपने सिस्टम पे कॉपी निकालता डाउनलोड करता था, फिर उस बंदे को कॉल करता था, फिर अपनी ऑफिस में बुलाता था, फिर मैं काउंसिलिंग करता था, ये सारे काम मैं करता था। फिर एक ही करके नॉट टू डू में डालता गया कि आज के बाद मैं किसी भी क्लाइंट कोई भी डेटाबेस पे काम नहीं करूंगा, डेटाबेस जनरेशन का मेरा काम नहीं है, तो वो निकाला मैंने। फिर अपॉइंटमेंट मैं फिक्स नहीं करूंगा, फिर वो निकाला मैंने, राइट। फर्स्ट मीटिंग पे कभी मैं नहीं जाऊंगा, राइट, कभी जरूरत होगी तो। ऐसे मैंने बहुत सारे काम छोड़े, नॉट टू डू लिस्ट में डाले, और वो काम मैंने डेलीगेट किए। डेलीगेट किसको किए? जो मैंने टीम बनाई है। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगी, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दो काम सिलेक्ट करना है, दो ही काम आपको लाइफ में करना है, बाकी सारे काम टीम करेगी। तो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, या सेल्स के लिए कभी जाना पड़ता है मुझे फाइनल मीटिंग के लिए, तो सेल्स का करता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं देखता हूँ। क्लियर है? तो आपको भी डेलीगेट करना पड़ता है। जब आप डेलीगेट करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, टीम बिल्ड करना है, और टीम जो हमें बिल्ड करना है वो टीम के अंदर दो क्वालिटी होना चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी जो है, टीम हमारी टैलेंटेड होना चाहिए, और दूसरी टीम हमारी जो क्वालिटी है वो लॉयल होना चाहिए। तो लिखो वर्ड टैलेंटेड एंड लॉयल, मैं लिखने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए जो क्वालिटी पीपीटी में नहीं दी हुई है। तो आपकी टीम में दो क्वालिटी होना चाहिए, एक तो लॉयल होना चाहिए, दूसरी वो टैलेंटेड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, राइट। तो राइट डाउन टैलेंटेड एंड लॉयल। अब जब हम देखते हैं पलट के अपनी टीम में, या तो वो बहुत ज्यादा लॉयल है, और अगर वो लॉयल है तो टैलेंट नहीं है उनके अंदर, और टैलेंटेड है हम बोलते हैं कांटी करेगा, इसमें भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। ये चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं, होता है या नहीं होता है? तो इस तरह की टीम जो है हमारे को बनाना पड़ती है, होती नहीं है, बनाना पड़ती है, राइट। तो टीम का, अब टीम को अगर हमें बनाना है तो बहुत ज्यादा हमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा, लगेगा ना। तो मैं बताऊंगा कम पैसे में, बिना पैसे के ऑल ओवर इंडिया में तुम टीम कैसे क्रिएट करोगे, राइट। तो दो चीजें होती है, एक होती है भीड़ और एक होती है टीम। आपको डिफरेंशिएट करना है, जो हमारी ऑफिस में लोग आ रहे हैं वो भीड़ है, मॉब है, या टीम है। मॉब का कोई डायरेक्शन लेस होती है, मॉब के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सब कुछ भी करते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या करना है, पत्थर मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है, डायरेक्शन लेस होते हैं, राइट। लेकिन टीम के अंदर क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, और टीम बनाई जाती है, मॉब से हमको टीम क्रिएट करना पड़ती है। तो थ्री चीज देखेंगे हम लोग बिजनेस सक्सेस के लिए, जिससे हम एक पावरफुल टीम क्रिएट करेंगे, पावरफुल कस्टमर बेस क्रिएट करेंगे, और एक बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, राइट। तो पहली जो चीज है, अभी आपको क्या करना है, हमने फिलोसफी सुनी है विन विन, मेरा विन होना चाहिए, कस्टमर का विन होना चाहिए, राइट। अब आपको क्या करना है, थ्री विन होना चाहिए आपका। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, उसमें कस्टमर का विन होना चाहिए, बिजनेस ओनर का विन होना चाहिए, और टीम का विन होना चाहिए। क्लियर है? तो आपकी टीम ने, आपके किसी मेंबर ने कोई डील क्लोज की, कोई धंधा आया कंपनी में, राइट। तो कस्टमर का विन कैसे हो, कस्टमर को आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, चाहे वो इंश्योरेंस हो सकता है, चाहे वो इंटीरियर कोई भी एक्सपायर्ड चीज हो सकती है, ट्रेनिंग सेल कर दिया आपने, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ आइटम सेल कर दिया, कुछ भी सेल कर, रिटेल आइटम प्रोडक्ट सेल कर दिया आपने, टेंजिबल इंटेंजिबल कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा और वैल्यू क्या दे सकते हैं अदर देन प्रोडक्ट और सर्विस। क्लियर है? तो कस्टमर को जब हम एडिशनल कुछ वैल्यू देंगे, हैप्पी एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, तो वहां पर कस्टमर का विन हो गया। साथ ही साथ बिजनेस ओनर का भी विन होना चाहिए उस डील में। तो बिजनेस ओनर का विन कैसे होगा, वहां पर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है उसको, क्योंकि उसकी कंपनी में पैसा आ रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस ओनर का भी विन हो गया यहाँ पर, राइट। अब हमारा विन हो गया, हमारे कस्टमर का विन हो गया, हम टीम की तरफ ध्यान नहीं देते, अब हमको देखना है हमारी टीम का भी विन होना चाहिए। टीम के विन में कैसे होगा, टीम का मुझे करियर ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, टीम के लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, टीम की जॉब सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो विन विन विन, थ्री विन होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर। फैजा जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हमें क्या मालूम पड़ गया, हमें विन विन फिलोसफी मालूम पड़ गया। तो अभी हमको क्या करना है, कल ही आप अपनी टीम के साथ मीटिंग कंडक्ट करोगे और बोलोगे आज के बाद से हमारी कंपनी की फिलोसफी है, जो भी हम काम करेंगे वहां पर विन होना चाहिए, खाली ट्रांजेक्शन नहीं करना है, खाली माल नहीं बेचना है, हमारे को कस्टमर का विन करना है। तो कस्टमर के साथ जब तुमने डील क्लोज किया, तो कस्टमर की लाइफ में देखो हम वैल्यू एड किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसको, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं हेडफोन लगा लेता हूँ नितिन भाई।
नितिन जी, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? नितिन जी, नितिन जी अगर आवाज आ रही है तो टाइप यस। थैंक यू नितिन जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टीम के साथ बैठ के टीम को ये फंडा फिलोसॉफी समझाना है कि जो भी डील होगी उसमें हमको क्या करना है कि कस्टमर की लाइफ में एडिशनल वैल्यू ऐड करना है, तो कस्टमर का तो विन होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ कंपनी में जब पैसा आएगा तो कंपनी की बिजनेस ओनर का तो विन होगा, बिजनेस ओनर का भी विन होना चाहिए, साथ ही साथ अब कंपनी तुम्हारा भी विन होना चाहिए, उस पर कंपनी सोच रही है तो तुम्हारा भी ग्रोथ होना चाहिए, उसके लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह या अपग्रेडेशन पे हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। तुम्हारा फ्यूचर हम लोग सिक्योरिटी सिक्योर करने का प्लान कर रहे हैं, करियर ग्रोथ के करियर ग्रोथ का प्लान है, तो तुम्हारा भी यहाँ पे, या तुम 10 डील क्लोज करके दो तो यहाँ पर तुम्हारे को इसका अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, या 6 महीने में ये टारगेट अचीव करो तो 2 दिन का मैं ट्रिप देता हूँ तुम्हारे को, या एसएल वर्ल्ड का एक ट्रिप देता हूँ तुम्हारे को, या एमआईजी का लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें आप क्रिएट कर रहे हो, अवार्ड रिवॉर्ड सिस्टम डाल रहे हो, यहाँ पर कुछ चीजें आप ऐड कर रहे हो ताकि टीम का भी विन होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें जो हमने सीखी है, ये चीजें हमको क्या करना है, अपने लोगों को सिखाना है, टीम को सिखाना है, और हमें सिखाना है, कस्टमर को नहीं सिखाना है, कस्टमर को वैल्यू दोगे तो कस्टमर का तो विन होने ही वाला है, क्लियर है। तो कस्टमर के साथ हमको रिलेशन बनाना है, टीम को समझाओ, ये माल बेच के निकल नहीं जाना है, उसके साथ हमको स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट करना है, लाइफ टाइम रिलेशन बनाना है। तो ये हमने विन 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 फिलोसॉफी सिखा दी हमने, राइट। उसके बाद आता है हमारा, अब हमको टीम क्रिएट करना है, मैनेज नई टीम बनाना है, सपोज टीम है नहीं, सिस्टम तो पता चल गया, 2-4 लोग है, नए लोग हमको ऐड करना है, तो हमको हायरिंग का सिस्टम समझना है। मैनेजमेंट का रूल है हायर स्लो फायर फास्ट। अगर आदमी मेरे को खटक रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आदमी काम का नहीं है और ये लग रहा है मुझे कुछ लफड़े कर रहा है, तो तुरंत के तुरंत इमीडिएट उसको स्पॉट पे खतर, इमीडिएट मतलब उसको निकालना है, फायर करना है, उसको लंबा पालना नहीं है। अगर तुमको लग रहा है, तुम्हारी टीम को लग रहा है आदमी खराब है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, निगेटिव है, कुछ भी चीजें हो रही है, तो उसको तुरंत निकालो, ज्यादा टाइम मत लगाओ उसमें, वो इसलिए मत लगाओ क्योंकि एक गंदा फल जो होता है सारी पूरे फल को सड़ा देता है, तो एक गलत आदमी पूरी टीम को तुम्हारी स्पॉइल कर देगा, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा गलत आदमी है उसको इमीडिएट राइट नाउ तत्काल तुरंत उसको फायर करना है। और दूसरा चीज है हायर स्लो, निकालने में टाइम नहीं लगाना है, निकालने में फटाक से निकाल देना है, जल्दबाजी करना है, रखने में जल्दबाजी नहीं करना है, दोनों चीजें उल्टी है। जब तुम हायरिंग पे जा रहे हो, जब तुम रिक्रूट कर रहे हो, तो तुमको टाइम लगाना है, इमीडिएट बंदे को हायर नहीं करना है, बंदे को रिक्रूट करने में तुमको टाइम लगाना है, राइट। अगर मेरे पास एक वैकेंसी है, एक किसी एक रिक्वायरमेंट है मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 3 लोगों को तो बुलाना है उस जॉब के लिए। एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैं 3 लोगों को बुलाऊंगा। मैं जब तक मैं 3 लोगों का इंटरव्यू नहीं लूंगा, तब तक मैं उस बंदे को हायर नहीं करूंगा। पहले इंटरव्यू में अगर मुझे लग रहा है ये बंदा पसंद आ रहा है, बंदा काम का है, तब भी मुझे उसको रखना नहीं है, राइट। क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में आदमी प्रीपेयर होकर आता है, वो पोपट बन के आता है, तोता बन के आता है, क्या बोलता है, टेल मी अबाउट योर, टट टट करके बोलना शुरू करता है। तो पहली मीटिंग में हम उसके कॉन्फिडेंस को, हम उसकी पर्सनैलिटी को जज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो प्रीपेयर होकर आया, राइट। तो आपको 3 राउंड इंटरव्यू लेना है अपने बंदों के। जब भी आप इंटरव्यू लोगे तो आपको सिस्टम डालना है 3 राउंड इंटरव्यू, राइट। फर्स्ट इंटरव्यू ले लिया आपने, उसको बोला सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए 1 हफ्ते के बाद या 3-4 दिन के बाद आप बुलाओगे उसको, क्योंकि मैंने बताया हायर स्लो, इमीडिएट हायर नहीं करना है उसको। सेकंड इंटरव्यू के लिए जब वो आएगा तो कुछ थोड़ा और खुलेगा, वो थोड़ी पर्सनैलिटी की चेंज दिखाई देगी तुम्हारे को, तो पहली बार से थोड़ा अलग दिखेगा। फिर उसको बोलो थर्ड राउंड इंटरव्यू के लिए वापस से बुलाओ। थर्ड राउंड के लिए आप किसी बाहर किसी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में या अपने ऑफिस में बुला सकते हो। तो थर्ड राउंड में उसको अकेले में कहीं पे बुलाओ जहां पर आप साथ बैठो, और थर्ड राउंड में जब आप देखोगे, जब वो तीसरी हफ्ते में या कुछ दिन के बाद तीसरी बार जब वो मिलने आएगा, आप बिलीव ही नहीं करोगे ये वही बंदा है जो मुझे पहली बार मिला था, क्योंकि तीसरी मीटिंग को पूरी तरह से खुल चुका होगा, एकदम अलग पर्सनैलिटी दिखाई देगी, उसने कितने लफड़े किए पुरानी जॉब पे, कितने लफड़ेबाजी की, सब चीज आपके सामने खुल के आ जाएगी, राइट। तो हमें 3 राउंड इंटरव्यू लेना है और गैप करना है, एक ही दिन में रिक्रूट नहीं करना है हमारे को, राइट। हमें उस इंडस्ट्री के उल्टे सवाल पूछना है, सही सवाल नहीं पूछना है। जैसे मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था और उनको मैनेजर अपॉइंट करना था, और तब इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, उनका प्रोसेस चल रहा था, बहुत बड़े होटल का बंदा बोल रहा था कि मैंने वहां जॉब किया, मैं वहां से आ रहा हूँ। तो मतलब जब तुम इसको रिक्रूट कर रहे हो ना, तो इससे उल्टे सवाल पूछो। होटल इंडस्ट्री में होता क्या है, लोग जो होते हैं बहुत जल्दी भाग जाते हैं, दूसरे होटल मूव हो जाते हैं, 7,000, 8,000, 9,000
10,000 ऐसे पगार होती है, बहुत कम पगार होती है। राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात ऐसी जगहों से लोग आते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो बहुत जल्दी भागते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लोगों को पकड़ के रखने का, राइट। अब आपको से सवाल क्या करना है? आप बोलते हो यार लोगों को पकड़ने का प्रॉब्लम हो रहा है, बोलता हाँ लोगों का तो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे सवाल मत पूछो जो आपको जिसका जवाब हाँ में आएगा वो हाँ में हाँ मिलाएगा। आप उल्टा पूछो, अरे यार प्रकाश एक बात बता मुझे, इस इंडस्ट्री में लोगों का तो प्रॉब्लम नहीं होता, लोग एक बार आ गए तो लाइफ टाइम मिल जाता है, उसका तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बोले हाँ सर लोगों का तो प्रॉब्लम नहीं है, लोग आ गए तो घर बार आ जाते हैं, वो तो फिर लाइफ टाइम रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोलते यार साला झूठ बोल रहे थे यार, इसको कुछ मालूम नहीं है मतलब। तो दो तीन आप जब उल्टे सवाल पूछोगे उसके हाँ में हाँ मिलाएगा, तो मालूम पड़ेगा जो चापलूस वाला आदमी है इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये फ्रेशर ही अगर देखा जाए तो, ये एक्सपीरियंस बता रहा है, राइट। तो इंडस्ट्री के उल्टे सवाल पूछो, अगर वो उसको पता है तो बोलेगा सर क्या बात करो, लोग रुकते, लोग ही तो नहीं रुकते, ये तो प्रॉब्लम है, जहां मैं काम करता वहां से लोगों का प्रॉब्लम होता है, लोग बहुत जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। कम पढ़े लिखे होते हैं ना सर, 500-600 में अगर उनपे ट्रेनिंग काम नहीं करो तो जल्दी भाग जाते हैं, उनको रुकाने का यही बड़ा प्रॉब्लम है। होटल इंडस्ट्री में लोगों को पकड़ के रखना बड़ा प्रॉब्लम होता है, गांव जाते तो वापस ही नहीं आते सर। तो अपनी बात को उल्टा बोल रहा है, मतलब ये एक्सपीरियंस बंदा है, काम का बंदा है, राइट। तो क्या करना है अपने को? हायर स्लो करना है, फायर फास्ट करना है। हायरिंग के टाइम पे 3 राउंड इंटरव्यू लेना है, फर्स्ट इंटरव्यू में रिक्रूट नहीं करना है, पहला इंटरव्यू अगले हफ्ते, सेकंड इंटरव्यू उसके अगले हफ्ते, थर्ड इंटरव्यू या 3-4 दिन के बाद बुला सकते हो आप, राइट। और हर इंटरव्यू में आप क्या करोगे? ओपन क्वेश्चन पूछोगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछोगे। ऐसे सवाल नहीं पूछोगे जिसमें यस नो आने वाला है। आप जो अच्छा पुरानी कंपनी में तुम क्या काम था, कितना बिजनेस, आप ऐसे सवाल पूछोगे जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा बात करेगा, ताकि उसकी जितना ज्यादा बात करेगा इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, उसकी पर्सनैलिटी खुल कर आएगी, राइट। तो ये हायरिंग का सिस्टम हो गया। नेक्स्ट चीज होती है हायरिंग प्रोसेस में, हमको सॉन फॉर्मूले पर फोकस करना है, SWAN। सॉन फॉर्मूला क्या बोलता है? जो बंदे को तुम रिक्रूट कर रहे हो वो बंदा तुम्हारा स्मार्ट होना चाहिए, एस फॉर स्मार्ट, डब्ल्यू फॉर वर्किंग हार्ड होना चाहिए। उसकी बातों से तुमको पता चल जाएगा कि गांव से आया था और बहुत कम छोटे शुरू किया, आज वो होटल में मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचा है, तो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, तो वर्किंग हार्ड होना चाहिए। ए मतलब एम्बिशियस है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, राइट। अभी हमारे इधर बंदा आया, उसने बोला कि उससे पूछा हमने क्या करना चाहते हो आप लाइफ में, क्या गोल है, तो बोलता है कि सर मेरे को भी आपके एक ऐसी कंपनी खोलनी है, जैसी कंपनी आप लेके बैठो मेरे को ऐसी कंपनी खोलनी है, या मेरे को यहाँ पे कुछ दिन काम करना है और थोड़े टाइम के बाद मेरे को कैपजेमिनी ज्वाइन करनी है, मेरे को विप्रो में जाना है, मेरे को एशियन पेंट ज्वाइन करना है, राइट। अब वो क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी बातें करता है और हम लोग एम्बिशन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और हम डर जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो थोड़े दिन काम करेगा बाद में छोड़ के भाग जाएगा, ये बंदा अपने काम का नहीं है। और दूसरा बंदा आता है बोलता है क्या चीज, कुछ नहीं चाहिए मुझे, घर में एक बूढ़ी माँ है, दो वक्त की रोटी मिल जाए, आप जो बोलोगे वो करूंगा मैं, लाइफ में क्या, लाइफ का कोई गोल नहीं, जिंदगी भर आप ही क्या रहूंगा। ये आदमी के कोई सपने नहीं है, लाइफ के कोई गोल नहीं है, ये आदमी तुम्हारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि जिसके खुद के सपने नहीं है वो तुम्हारे सपने क्या पूरे करेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, उल्टा गरजमंद देख के जरूरतमंद आदमी को रख लेते हैं, लेकिन जो सपने वाली बात है, जो ड्रीम्स वगैरह की बात करता है, उसको रिक्रूट नहीं करते हैं। तो हमको लगता है ये थोड़े दिन काम करेगा और छोड़ के भाग जाएगा, फिर लंबा टिकेगा नहीं। लेकिन मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, तुम किसी भी आदमी को रखोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो यही सोच के आएगा कि मैं कुछ दिन काम करूंगा, नॉलेज गेन करूंगा, एक्सपीरियंस गेन करूंगा, और फिर मुझे बड़ा ही कहीं जंप अच्छा अच्छा वो मिल जाएगा, मेरे को हाइक मिल जाएगी, तो मैं स्विच करके वहां चले जाऊंगा। यह हर आदमी सोच कर आएगा, लेकिन यहां आने के बाद जो कल्चर हम देंगे उसके बाद वो आदमी यहीं का होके रह जाएगा, राइट। तो किस आदमी को रखना है और किस आदमी को नहीं रखना है, यहां तक क्लियर है तुम्हारे को? अगर क्लियर है तो टाइप यस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चीज आती है, हम किसको कहां से लाएं बंदे, और बंदे लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सैलरी की जरूरत है, बहुत ज्यादा सैलरी की जरूरत है। मैं अगर तुम लोगों को फॉर्मूला बताऊं कि बिना पैसा खर्च किए तुम्हें आदमी मिलेंगे काम करने के लिए, चलेगा? बिना सैलरी के आदमी मिलेगा, चलेगा? यस और नो? अब मैं तुम्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। यहां पर मेरा एक फ्रेंड है और वो तुमसे कुछ बात करेगा। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो डाला था और मैंने बोला था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए लोग चाहिए, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल आईडी है inq.safal@gmail.com। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मेल कीजिए। और उसके बाद मेरे को 500 से ज्यादा लोगों के मेल आए,
अभी यहाँ पर एक बंदा कनेक्टेड है, आलम अपने बारे में बताओ कैसे तुम मुझसे जुड़े और कहाँ पे रहते हो, पूरा बताओ अपने बारे में। आलम अपने आप को अनम्यूट करो। एक मिनट सर। हेलो, एक बात कर रहे हैं। हेलो, आपका कैम अगर कैमरा खोल सकते हो तो खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी, एक मिनट। हेलो एवरीवन, यस सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस एंड थैंक यू कोच सलमान सर फॉर दिस वंडरफुल चांस टू स्पीक विद ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था जैसे अक्सर लोग करते हैं, तो मैं कुछ खोज रहा था, कोई कोचिंग इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा था, तो उस बीच में सलमान सर का फर्स्ट टाइम मैंने देखा, एक वीडियो आया, तो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो फिर पूरा वीडियो को देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने वहाँ पे ईमेल करने के लिए सर ने बताया था, तो फिर मैंने ईमेल किया और इस तरीके से मैंने सर से जो है मतलब ज्वाइन हो पाया, सर के मतलब ग्रुप में, बिजनेस ग्रुप में आ पाया, तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन बना, तो मुझे अच्छा लगा सर एक बिजनेस बढ़िया कोच है और ट्रेनिंग देते हैं, तो मैंने भी काफी कुछ सीखा सर से, तो सो थैंक यू वेरी मच सलमान सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। अभी मैं बता दूं आलम को, मैं कभी नहीं मिला हूं आलम को, और आलम किशनगंज में बिहार में, मैं कभी लाइफ में बिहार नहीं गया हूं, मैं कभी बिहार नहीं गया हूं, मैं पटना भी नहीं गया हूं, न्यूज में मैंने बहुत देखा है। हाँ, बिहार के लीडर्स लालू जी वगैरह का मैं बहुत फैन हूं, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं हम सभी फैन होते हैं, राइट? तो जय बिहार, राइट? तो मैंने वीडियो डाला, आलम से मेरी बात हुई, आलम ने बोला कि सलमान भाई क्या काम है बताओ मेरे को, मैंने बोला आपको कॉलिंग का काम रहेगा, कॉलिंग कर सकते हो, बोला मैं कर सकता हूँ कॉलिंग, और मैंने उसको टारगेट दिया, मैंने सैलरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इतना काम करना है और ये काम करने पे तुमको ये रिजल्ट, ये परसेंटेज अमाउंट मिलेगा तुम्हारे को, चलेगा? बोला चलेगा। और आलम ने मेरे प्रोग्राम के लिए कॉलिंग किया और लोगों को उस प्रोग्राम में लेकर आया, उसमें जो कन्वर्जन हुआ उसमें मैंने उसको कमीशन देने की बात की। तो मैं बता रहा हूं, मेरे लिए बिहार किशनगंज में आलम भाई काम कर रहे हैं बिना सैलरी के, मेरे लिए, मैं सिर्फ कमीशन दे रहा हूँ, रिजल्ट के पैसे दे रहा हूँ, राइट? मेरे लिए कोई किसी ने कुछ कमेंट किया था, मेरे लिए मिताली अहमदाबाद में काम कर रही है, मेरे लिए काजल सूरत में काम कर रही है, मैं बता रहा हूं अलग अलग। अच्छा, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है ना? ओके, हाँ, तो मैं बता ये रहा हूं कि मेरे लिए लोग अलग इंडिया के अलग अलग लोकेशन में मेरे लिए काम कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर, उसी तरह से एज ए वॉलंटियर लोग आपको भी मिल सकते हैं, आपने उस एंगल से सोचा नहीं है, राइट? आम आदमी पार्टी के लिए एज ए कार्यकर्ता, एज ए वॉलंटियर लोग मुंबई से अपना फ्लाइट का टिकट निकाल के जाते हैं और काम करते हैं, राइट? मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए लोग एज ए कार्यकर्ता काम करते हैं, तो आपके लिए भी लोग काम करेंगे, आपको वॉलंटियर्स लेकर आना है, राइट? क्लियर है? तो मैं आपको बताता हूं अब आपको करना क्या है, आपको टैलेंटेड लोग चाहिए और कौन से लोग चाहिए, लॉयल लोग चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना है, आपके आसपास एमसीए कॉलेजेस रहेंगे, एमबीए कॉलेजेस रहेंगे, बीबीए कॉलेजेस रहेंगे, आपको क्या करना है, अपना एक प्रोफाइल बनाना है, आपकी वेबसाइट रहना चाहिए, उस प्रोफाइल पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो, कंपनी के बारे में लिखो, और चले जाओ उस कॉलेज में और उनके एचओडी से मिलो और उनसे बात करो कि हम एक छोटा सा वो रखने वाले हैं, वर्कशॉप रखने वाले हैं, और यहाँ पर बच्चों को हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे एज ए वॉलंटियर, एज ए स्टाइपेंड हम लोग रिक्रूट करने वाले हैं, तो उसके बारे में बताने वाले हैं, और एक साल के बाद इनको हमारी कंपनी में भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर के बच्चों को तुम जाओ प्रेजेंटेशन दो, और वहां पर वो कॉलेज वाले तुमको अलाउ करेंगे, या तो कॉलेज में प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ करेंगे या तुम्हारे ऑफिस में भेजेंगे, तुम्हें वहां से बच्चे उठाना है, राइट? मुंबई में और या तुम्हारे पूना में या तुम्हारे वसई में या तुम्हारे जैसे बेंगलोर में, कलकत्ता में, जहां भी तुम हो, ऐसे बहुत सारे घर हैं जो बहुत छोटे छोटे घर हैं, बहुत छोटे घर हैं, और एक साथ 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, ये बच्चे सुबह में कॉलेज जाते हैं और ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही खतरनाक टैलेंटेड लोग है बच्चे ये, इनको घर में जगह नहीं होती बैठने के लिए, दिन भर कॉलेज में जाते हैं, बंद करके भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इनको एक जगह चाहिए बैठने के लिए, राइट? तुम इनको जगह देते हो, तुम इनसे बात करते हो, एज ए स्टेपन आप बिलीव नहीं करोगे, थाना कॉलेज के बच्चे 600 रुपए पे, कुछ लोग तो फ्री में काम किया इन लोगों ने, उसके बाद भी लाल करके लड़का था मेरे इधर काम करता था, उसके बाद उसने उनकी सैलरी चालू की, सैलरी भी 600 रुपए दे रहा था, फिर बोला एटलीस्ट कुछ तो 2000 तो दे, तो उसने 1000 रुपए दिया कुछ टाइम का, बोला सर आप मत बोलो, उसको पूरा लीड करने दिया था मैंने, राइट? तो तुम्हें बच्चे मिलेंगे,
आप देखते होंगे आपके घरों पे कभी बहुत कुछ, जब ये लॉकडाउन नहीं था तो लोग आते थे पासेस लेकर, नॉक करते थे, कुछ बुक्स डिक्शनरी या कुछ बुक्स इंसाइक्लोपीडिया कुछ ना कुछ लेके आते थे, बताते सर इसमें मैकडोनल्ड के ये फ्री है, एमएजी का फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, इसका पूरा जो वैल्यू है ना 2999 मतलब 29,000 समथिंग का है, आपको सिर्फ 999 पे करना है। तो सर आप कैश पे करेंगे या कार्ड से पे करेंगे? और वो हम देखते थे उसकी तरफ, वो लड़की थी 16-17 साल की, 15-16 साल की लड़की थी, वो लड़की थी सेकेंड ईयर बीबीए की स्टूडेंट थी, राइट। इन लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है इन लोगों को, ये लोग एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैक मा के वीडियो देखो, ये वीडियो दिखाए जाते हैं, इनको बताया जाता है, जैक मा बोलता है डोंट गो फॉर द बिग ऑर्गेनाइज, डोंट गो फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, गो फॉर द स्मॉल कॉर्पोरेट, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, गो फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर तुम्हें सीखने मिलेगा, वहां पर तुमको बहुत सारा काम करने मिलेगा, कॉर्पोरेट में तुम्हें काम करना नहीं मिलेगा। अगर तुमको बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, बड़ी कंपनी बनानी है, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, वहां पर तुमसे बहुत ज्यादा काम लिया गया, तो बहुत सीखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा। डोंट फोकस ऑन द मनी, फोकस ऑन लर्निंग, पैसे पे फोकस मत करो, लर्निंग पे फोकस करो। ये देखना जैक मा के वीडियो दिखाए जाते हैं इनको, एमबीए स्टूडेंट बीबीए स्टूडेंट को दिखाए जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये स्टूडेंट तुम्हारी तरह जब काम करेंगे, कम से कम पैसे में काम करेंगे, निग्लिजिबल अमाउंट में काम करेंगे, एक साल तुम्हारी ये काम करते हैं, एक साल के बाद बोलते हैं सर आप मेरे गुरु हो, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से आज मेरे को बिरला में या विप्रो में या एक्सपायर्ड कंपनी में मेरे को सिलेक्शन हो गया और मेरे को 25,000 की सैलरी मिल रही है। तो सर आपके पैर छूगे, मिठाई का डब्बा ला के देगा, आप देखते हो बंदा काम का, फिर आप उसको या तो उसको जाने दोगे या अपने ऑफिस में रिक्रूट कर लोगे, अगर राइट ऑडियंस है, राइट बंदा है, कैलिबर का बंदा है। समझ में आ रहा है? एमएससी आईटी क्लासेस चलते हैं आपके, बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, वहां से बच्चे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। फेसबुक पे वीडियो कैसे डालना है, जैसे मैंने आलम और बहुत से लोगों को जोड़ा था, जो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, वॉलंटियर कल्चर बिल्ड करना है, एज ए वॉलंटियर लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है, एक रुपया नहीं जाएगा आपका, और जो टीम बिल्ड होगी बहुत टैलेंटेड टीम होगी। ये जो यंग क्राउड, ये जो बच्चे आपके लिए काम करेंगे, ये इतना जबरदस्त काम करेंगे आपके लिए कि जो पगार वाला भी आदमी काम नहीं कर रहा है। अगर इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपका कोई कैंपेन रन कर रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहा है, अगर वेबसाइट बनेगी नहीं तो रात में घर नहीं जाएंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये एक रात रुक भी जाएंगे और सटक के दूसरे दिन निकल भी जाएंगे, वापस भी नहीं आएंगे इनको। तो ये जुनूनी लोग है, ये खतरनाक लोग है, ये यंग ब्लड जो है, और इनके साथ में रहकर हम भी इन्हीं की रफ्तार से चलने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सार स्टेट करके अमित चौधरी की कंपनी है, जो अमित भाई अपने ही क्लाइंट थे, सीसीडी ग्रुप की कंपनी थी, इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया, जो कंपनी बेच के खत्म बेच रहे थे वो लोग, तो अमित ने उस कंपनी को खरीद दिया। अमित के पास जो लोग थे, इनके लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, किसी को 50,000 सैलरी दे रहे, किसी को 65,000 सैलरी दे रहे, अच्छी बड़ी बड़ी सैलरी दे रहे थे। कलकत्ता में एक टीम बैठी है इनकी, एक हैदराबाद में बैठी है, एक बेंगलोर में बैठी है, मुंबई में बैठी है, अलग अलग जगह पे टीम बैठी हुई है इनकी। यहाँ पर 17 लोगों को रिक्रूट किया अमित ने, इसी फॉर्मूले पे जो मैं बता रहा हूँ। थाना मुंबई के लोगों के थाना आईएमकॉस कॉलेज है, आप जाओ, आईएमकॉस आपको भी देगा बच्चे, आप आईएमकॉस नहीं देगा, हर कॉलेज देगा आपको, ऐसा नहीं है, आप जाओ वहां पर, राइट। तो आप उन्होंने वहां से बच्चे उठाए, 17 लोगों को रिक्रूट किया अमित ने, 2,000 रुपए लेते थे महीने का, सुबह 10 बजे आते थे, शाम के 7 बजे जाते थे। और अमित ने बताया कि उनका कुछ कंप्लीट नहीं होता तो रुक गए रात में, बोले सर हमको रुकना है रात में, रुक जाओ, मना केवल नहीं, हमको कंप्लीट करना है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे नहीं, और ये लोग रुक गए वहां पर और इन्होंने इसको इस चीजों पर काम किया। समझ में आ रहा है? तो ये जो और ये जो ब्लड रहेगा, ये खतरनाक ब्लड रहेगा, और ऐसे लोगों को हमको लेकर आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। मैंने वीडियो बनाया, बात ही अब मैंने आलम ने मुझे कॉल किया, आलम बोला मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, मल्टी लेवल में काम करता हूँ, लेकिन मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, मुझे कॉलिंग ही करवानी है, मेरे को अगर ये रिजल्ट आएगा मैं 20% दूंगा, 25% एक्सपायर्ड कुछ भी दे सकते हो ना, 1,00,000 का बिजनेस होगा, 20,000 दे दिया, 25,000 दे दिया, एक्सपायर्ड कुछ भी दे दिया आपने। समझ में आ रहा है, राइट। तो आपको एज ए वॉलंटियर टीम बिल्ड करना है, यहां तक क्लियर है? 10 कॉलेज में जाओगे, 2 कॉलेज में कोई ना कोई तो खड़ा कर ही लेगा आपको, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, और कॉलेज में आप मत जाओ, अपनी एग्जीक्यूटिव को भेजो, तो यहां से आपके बंदों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिना पैसे खर्च किए टीम कैसे बिल्ड होगी, ये सिस्टम आपको पता चल गया। यहां तक क्लियर है? यस और नो? किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बात कर सकते हो अभी।
अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे से टीम आती है ना, जब मैं टीम को रिक्रूट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टीम एस्पिरेशन गोल पे काम करता हूँ। आपको भी करना है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपका आता है टीम एस्पिरेशन गोल, यहाँ पर आप उनको एक क्वेश्चन, एक शीट देते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनको बोलते हो उसका आंसर करने के लिए। दीपाली मेरे पास आज से 5.5-6 साल पहले आई थी, ज्वाइन किया था उसने। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो एज ए प्रोफेसर में जाता था, कॉलेज में ट्रेवल करता था, आता था सारी चीजें, तो मैं बहुत कम ऑफिस में रहता था। लेकिन दीपाली का जब इंटरव्यू हुआ था तो वो टाइम पे मैंने था और मैंने ही रिक्रूट किया था। और उसके बाद एक दो हफ्ते के बाद मैं ऑफिस में आया, क्योंकि मैं रहता नहीं था, टीम संभालती थी मेरा ऑफिस। और मैंने देखा मतलब वो लड़की नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पर है वो? तो संध्या करके एक लड़की थी, उसने मुझे बताया सलमान सर वो लड़की चली गई। मैंने क्यों? बोले वो काम नहीं करेगी ना। बोले क्यों नहीं करेगी, वो अपने लिए बराबर नहीं थी। मैंने क्यों बराबर नहीं थी? बोले वो इंजीनियरिंग, उसने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, अब कल को उसका रिजल्ट आएगा तो फिर वो 6 महीने का उसका एडमिशन हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा तो वो डिग्री के लिए जाएगी, और वो इंजीनियरिंग लड़की है तो हमारे लिए क्यों काम करेगी, वैसे टेलीकॉम हमारे क्यों काम करेगी, राइट? अब मैं बोला यार ये क्या बकवास कर रही है, क्योंकि मुझे दीपाली में पोटेंशियल दिखा था, मतलब दीपाली काम करेगी। और फिर मैं बोला नहीं दीपाली उसको बुलाओ, फिर मैंने बात किया, दीपाली को बुलाया, बातचीत की। और ये शीट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने भरवाया, और ये मैं सबसे भरवाता हूँ जो भी लोग आते हैं मेरे इधर, आपको भी यही करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द थिंग्स आई वांट टू डू फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो कौन सी चीजें मैं मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ। वो आइए जॉब के लिए अगला सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे में हमने ये सब थमा दिया और हम उससे आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें अपने को कोच नहीं बनना है, ज्ञान नहीं देना है, उसको जो लिखना है लिखने दो। तो हमने पहला क्वेश्चन दिया उसको, हम मैं मेरे लिए और मेरी परिवार के लिए कौन कौन सी चीजें करना चाहती हूँ, उसने कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया उसने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई आर दिस गोल इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए गोल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है उसका आंसर लिखती है कि मेरे लिए गोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो जो भी लिखेगी लिखने दो, अपने को उसमें पढ़ना नहीं है, राइट? गलत लिखे सही लिखे उसमें बच्चा उसको बस करना चाहिए, एक पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 विद 10 बीइंग हाईएस्ट एंड 1 बीइंग लोएस्ट, रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच गोल मेंशन्ड अबव। तो इसको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, 1 सबसे कम है, 10 सबसे ज्यादा है, तो 10 से लेके 1 तक उसको नंबर दो, कौन सा गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। तो जो भी गोल लिखे उसको प्रायोरिटाइज करो, नंबरिंग दो, कौन सा गोल तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, राइट? ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आता है, बाय अचीविंग दिस गोल व्हाट विल मेक मी फील अबाउट माय सेल्फ, अगर मैं ये गोल अचीव कर लेती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होगा, राइट? जैसा भी महसूस होगा उसको जो भी लिखना है लिखने दो। तो अब उसको जो भी लिखना है वो लिख देती है वहां पर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू आई वांट टू बी और बिकम इन माय लाइफ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, राइट? जिंदगी में मैं किसकी तरह बनना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ, उसका जो भी आंसर है उसको लिखने दो। यहां तक क्लियर है आपको, पहले 5 क्वेश्चन क्लियर है? यस, ठीक है मयूर जी। फिर हम अगला सवाल, मैंने इसको पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग बोलते हैं सलमान भाई ये क्वेश्चन निकाल दो। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट डू आई वांट टू अर्न फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। दीपाली जब मेरे पास आई थी तो वोडाफोन से आई थी, वो वोडाफोन में जॉब करती थी और वोडाफोन में उसको मिल रहे थे 8,000 रुपए मिल रहे थे, और मैंने जब मेरे इधर रिक्रूट किया तब मैंने सिर्फ 6,000 रुपए रिक्रूट किया था उसको, 6,000 रुपीज पे मैंने मेरे इधर रिक्रूट किया, 2,000 रुपए निगोशिएट करके, राइट? और अब मैं उसको पूछ रहा हूँ अगले साल तू कितना पैसा कमाना चाहती है, तो वो बोलती है अगले साल मैं 10,000 रुपए कमाना चाहती हूँ, बराबर है? तो अभी 6,000 रुपए दे रहा हूँ, अगले साल 10,000 रुपए देने कमाना चाहती हूँ, और हम घबरा जाते हैं कि सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो ये क्वेश्चन तो बराबर नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन आपकी लाइफ को बदलेगा, राइट? यही क्वेश्चन आपकी टीम बंदों में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलती है मैं अगले साल 10,000 रुपए चाहती हूँ, बोले ठीक है ओके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, व्हाट डू आई फील आई नीड टू डू और कंट्रीब्यूट टू डिजर्व दिस पे, मेरे को क्या करना पड़ेगा ये पगार उठाने के लिए, ये पगार सफल ट्रांसफॉर्मेशन से लेने के लिए, 6,000 से 10,000 रुपए जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उसका जवाब क्या होता है, आई डोंट नो, उसको नहीं पता। तो ठीक है लिख दो आई डोंट नो, अगर आपको नहीं पता तो लिख दो आई डोंट नो, या तो जो लगता है, कुछ लोग लिखते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो भी उनको लगता है लिखने दो। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज डू आई नीड टू डेवलप टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एट द नेक्स्ट लेवल, राइट?
तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे कौन सी स्किल कौन से कौशल पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो आगे उससे जवाब होता है आई डोंट नो, जो लिख रही है लिखने दो। आंसर शीट आ गई हमारे पास, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो। ओके, तो अभी मेरे को दीपाली ने मुझे बताया कि मेरे को अभी सैलरी 6000 रुपए रखा है सलमान भाई, लेकिन सलमान सर मेरे को अगले साल 10000 रुपए चाहिए सफल से। मैंने इसको पूछा 10000 के लिए तो क्या करेगी, उसको नहीं पता, कौन सी नॉलेज बढ़ाएगी उसको नहीं पता, यही जवाब आपको मिलेगा या कुछ भी लिखेंगे। तो अब क्लैरिटी देने का काम हमारा है, मेरा ठीक है, अभी तुम्हारा काम है टेलीकॉलिंग का, जो तुम वोडाफोन में करते थे वही काम कर रहे हो, राइट? और टेलीकॉलिंग में तुमको 6000 रुपए मिल रहा है, अगर तुमको 10000 रुपए चाहिए तो तुमको हमारा अलग अलग सिटीज में इवेंट्स होते हैं, और अभी इवेंट जो होता है हमारा वो पूजा मैडम दिख रही है, पूजा मोरे दिख रही है, और पूजा की कुछ महीने के बाद शादी होने वाली थी, तो मुझे पूजा का बैकअप तैयार करना था, तो मैंने दीपाली को बोला कि ठीक है अभी पूजा मैडम कर रहे हैं, तो पूजा मैडम जो काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट का, अगले साल तक अगर तुम ये तुम काम सीख लेती हो और ये काम भी साथ में शुरू कर दोगे इवेंट मैनेजमेंट का, कि होटल समय बुक करना है, बाद में स्टेशनरी का नोट्स वगैरह प्रिंट करना होते हैं, साउंड वाला ये सारा बैक जो भी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें जब तुम करने लगोगे ना, और एक साल के बाद, एक साल में तुम्हें ये सीखना है, तो ये टेलीकॉलिंग के साथ जब तुम इवेंट मैनेजमेंट भी देखोगे तो तुम्हारे को 10000 मिलने लगेगा। तो हमने क्लैरिटी दे दी उसको क्या करने वाली है, काम बता दिया हमने, क्लैरिटी दे दी 6000 को 10000 पे जाने के लिए उसको क्या करना है उसको मालूम पड़ गया। दूसरी चीज, हमने उसको एक मेंटर दे दिया, हमने बोला पूजा मैडम तुम्हारी मेंटर है, जो भी तुम्हारे को कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ भी चीज है, तुमको पूजा के साथ बैठना है, पूजा की परछाई करना है, पूजा जैसा बताएगी, कुछ भी आता है तुमको लगता है पूजा ही सिखाएगी, तो पूजा से तुमको सीखना है, और ये अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम 10000 रुपए नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन 10000 रुपए तुमने बोला है पहुंचने के लिए, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा डेडिकेशन है, कितने टाइम में कितनी जल्दी तुम सीखती हो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि पूजा मैडम शायद 2-3 महीने बाद नहीं रहेगी, तो बोलती ठीक है। अभी उसको एक साल का इवेंट मैनेजमेंट करना, इवेंट मैनेज करना है, मैं देखता क्या हूँ, एक महीने के अंदर ही वो पूजा के साथ बैठ रही है, वो टाउन वाले से बात कर रही है, वो अहमदाबाद में होटल्स में बात कर रही है, बड़ौदा में बात कर रही है, राजकोट में बात कर रही है, नागपुर में बात कर रही है, अलग अलग सिटीज में बात कर रही है, राइट? प्राइड का भी दीपाली ने बुक किया था होटल जो गणेश भाई जिसमें आए थे, राइट? तो वो होटल वगैरह बुकिंग करना चालू कर दिया, सारी चीजों से बात करना शुरू कर दिया, जो काम उसको एक साल के बाद करना है वो उसने 1-1.5 महीने में ग्रिप ले लिया, 2-3 महीने में वो मास्टर हो गई, इसका पूरा डुप्लीकेट कर दिया। अब एक साल के बाद दीपाली मेरे पास आती है और बोलती है सर एक साल हो गया, अभी मेरे को सैलरी 10000 बढ़ाना चाहिए, बढ़ाओ। तो मेरे को सैलरी उसकी बढ़ाना चाहिए, यस और नो? अब 6-10000 रुपए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ मेरे को, चैट में टाइप करके बताओ यस और नो। निधि देना चाहिए, सईदा जी देना चाहिए, राइट? तो मैंने उसकी सैलरी बढ़ा के, उसकी जो सैलरी कमिटमेंट किया था वो बढ़ा दिया। अब सैलरी बढ़ाने के बाद मतलब सैलरी तेरी 10000 अभी हो जाएगी, बैठ वापस से मेरे पास, बैठ जा, और बैठ गई, और फिर से मैंने वापस से क्या करा, क्वेश्चन निकाला उसको, अब मेरे को वापस से आंसर दे के मेरे को लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है, वो लिखना शुरू कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन, ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वापस से जो कार्यक्रम एक साल पहले किया था 12 महीने, वापस से मैं कार्यक्रम चालू करता हूँ सेम। थर्ड क्वेश्चन, प्रायोरिटाइज करो 1-10 के स्केल में, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, अचीव होने का कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? किसकी तरह बनना चाहती हूँ लिखो उसकी तरह, ठीक है? फिर से वापस से छठा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, अगले साल तेरे को कितना पैसा चाहिए, अभी अभी 6000 से 10000 रुपए आई हूँ, अगले साल मेरे को कितना पैसा चाहिए? अब वो बोलती है अगले साल मेरे को इतना पैसा चाहिए, एक एक्सपायर्ड अमाउंट बताया कि अगले साल मेरे को ये अमाउंट चाहिए, ठीक है? अब वो 10 का 20 बोलती है, अगले साल मेरे को 20 चाहिए डायरेक्ट, राइट? तो 20000 लाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, नहीं पता। कौन सी स्किल बढ़ाना पड़ेगी, नहीं पता, राइट? मतलब ठीक है बैठ जा, मैं बताता हूँ तेरे को क्या करना है, ये साल तो तेरे को 10000 मिल रहा है, ठीक है? अगले साल अगर तेरे को 10 का 20 चाहिए तो तेरे को सेल्स में उतरना पड़ेगा। अभी तक तुम सिर्फ कॉल कर रहे हो लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, मीटिंग में नहीं जा रहे हो। अभी अपनी यहाँ जो सेल्स कर रहे हैं दीपा पांडे कर रही है, दीपा पांडे सेल्स देखती है अपना, और जो कन्वर्जन होता है बिजनेस जो भी ला रही है दीपा ला रही है, पूजा और तुम लोग बिजनेस नहीं जा रहे हो, तुम अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हो, ठीक है? लेकिन बिजनेस का जो डील फील्ड पे जाके जो डील को क्लोज करने का काम है दीपा का काम है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स में उतरना पड़ेगा, और सेल्स में मैं तुमको टारगेट दूंगा, ये तुम अचीव कर लोगे, ये सारी चीजें कर लोगे तो तुम अगले साल ये लेवल पे पहुंच जाओगे।
तो बोले ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है करने के लिए तैयार हो. लास्ट ईयर तुम्हारी मेंटर पूजा थी, अभी तुम्हारी मेंटर जो है दीपा दुबे, दीपा पांडे. अभी दीपा की शादी हुई, दीपा दुबे हो गया सर ने मतलब. तो दीपा पांडे तुम्हारी मेंटर है, दीपा की परछाई बनना है. दीपा जो जो करे जैसे करे वो सीखो, दीपा जो बताएगी वो सीखो. जितना जल्दी कर लोगे कर लो, क्योंकि अगले साल तो तुमको फिर ये चीज इस पे आना है और तुम्हारा जो पेमेंट तुमने बताया वो चालू हो जाएगा अगले साल. मतलब जो करना है 3 से 4 महीने में वो दीपाली निकल दे, फील्ड पे सारी चीजें करना शुरू कर दी, सेल्स पे उसका ग्रेप ले लिया. यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको दीपाली ने ले बुलाया, दीपाली के थ्रू आप लोग आए हो और दीपाली वो चीज कर लेती है. जो मेरे को रेवेन्यू चाहिए था उससे ज्यादा रेवेन्यू दीपाली ला के दे रही है सेल्स. अगले साल मेरे को 10 का 20 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. यस और नो, यस और नो, राइट अमित जी, मयूर जी? अभी मेरे को यहाँ पे बंदा जो है मेरे को धंधा लाके दे रहा है. अब वापस से मैं बैठता हूँ, बैठ जा, अभी बैठते हैं वापस से काम करते हैं, वापस से कार्यक्रम चालू करते हैं. बता मेरे को अगले साल तेरे को कितना पैसा चाहिए. ये सारे क्वेश्चन पीरियड पे किया, 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगले साल तेरे को कितना चाहिए? वो बोलती है अगले साल सलमान सर मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए अदर देन सैलरी. सैलरी तो दे ही रहे हो, अदर देन सैलरी मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए. क्या करना है मुझे नहीं पता. अब 5 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने उसको टारगेट दे दिया, ये टारगेट अचीव कर. मैं अगर मेरी कंपनी में 5% भी कमीशन देता हूँ, 1 करोड़ का बिजनेस हो जाता है तो 5 लाख दे सकता हूँ मैं. और अगर 10% दे रहा हूँ तो 10 लाख दे सकता हूँ. तो 50 लाख का भी धंधा लेकर आती है तो 5 लाख तो मिल जाएगा उसको, राइट? तो टारगेट सिस्टम शुरू हो गया. अगले साल बोलती है मेरे को ये चाहिए, मैं उसको अब मैंने उसको बिजनेस, आज वो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर काम कर रही है, मेरे को ये चाहिए कंपनी का, तेरे को ये शेयर मिलेगा, ये लेवल पे आ जाए. आज एज ए बिजनेस पार्टनर कर रही है. मैं बता क्या रहा हूँ, एक बच्चे को तुम लेकर आते हो, कॉलेज बच्चे को लेकर आते हो, उसको आने वाले 12 से 17 साल में तुमको सीईओ लेवल पे लेके जाना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक लेके जाना है. ये तुम्हारे दिमाग में उसके विजन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ लेके जाना है. वो क्लैरिटी जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब जाके तुम्हारी टीम क्रिएट होगी. तुम्हारी टीम छोड़ के भागती इसलिए है क्योंकि वो देखती है कि मेरे बॉस को ही नहीं पता मेरी कंपनी, उनकी कंपनी कहाँ जाने वाली है, उनको खुद को अपने करियर के ठिकाने नहीं है, तो मेरी की जिंदगी क्यों मैं बर्बाद करूँ यहाँ पर. और वो तुमको छोड़ के भाग जाता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहती है, राइट? तो जब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, जब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी तो तुम्हारे दिमाग में रहती है यहाँ से मेरे को उसको यहाँ पे लेके जाना है, तो बंदा तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसको अपना करियर ग्रोथ दिख रहा है. विन विन विन, राइट? हम क्या देखते हैं? मेरा विन, मेरे को पैसा लेके जाना, मेरे को पैसा लेके जाना. बंदों को, उन बच्चों का भी तो सोचो यार, उनके करियर का भी तो सोचो. यही लोग तुम्हारी कंपनी बनाएंगे, राइट? तो जब तुम्हारे पास विजन क्लियरिटी मिलती है तो टीम तुम्हारी कहीं छोड़ के भागेगी नहीं, टीम तुम्हारे पास रहेगी. और ये जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रैक्टिस है. एक कॉलेज बच्चे को लेकर आते हैं और 17-18 साल में उस बच्चे को सीईओ लेवल तक लेके जाते हैं. एक लोकल पोजीशन से लेके सीधा उसके ट्रांसफॉर्मेशन रहता है कि इसको सीईओ लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से तुम उसको लेके जाओगे. समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो टीम कैसे लाना है, किन लोगों को लाना है और उन लोगों को किस तरह से बनाना है, तुमको समझ में आ गया है. यही तुम वैसे वॉलंटियर लेकर आओ, इन्हीं बच्चों को बनाओ, इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों को रुकाओगे, क्लैरिटी दो इनको, ये बच्चों का करियर बनाओ. और बहुत बड़ी, हिंदुस्तान से बड़ा तुमको मैन पावर कहीं मिलेगा नहीं यार. हिंदुस्तान में गली गली में लोग हैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए, अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है, बस तुमको अपना मैसेज पूछना, तुम निकल नहीं रहे हो बाहर, प्रॉब्लम वहां पर आ रही है, राइट? तो यहां पर तुम्हारे को कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्लान में क्या आएगा, पीपल्स आ जाएंगे, कौन से लोग जिनके थ्रू मैं सीख सकता हूं. तो लोग कौन है मेरे? लोग आ गए, पहले पूजा मुद्दे आई, फिर बाद में दीपा पांडे आई, तो इन लोगों से तुम सीख सकते हो, राइट? ये तुम्हारे मेंटर्स तुमने एलोकेट कर दिए. फिर रिसोर्सेज आ गया, कौन सी बुक पढ़ सकता हूँ, कौन सी ऑडियो बुक, कौन सी यूट्यूब चैनल हो गए, कौन से कोचेज हो गए, राइट? तो मैं, मेरा सेल्स का जो सीडी मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया, वो सीडी इन लोगों को देखने बोलता हूँ, उससे इनकी सेलिंग स्किल्स में सुधार होती है, राइट? कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, वो बुक्स पढ़ते हैं लोग, तो आप उनको बुक बता सकते हो, प्रोग्राम बता सकते हो, वीडियो यूट्यूब की कुछ वीडियो दिखा सकते हो उनको. उनकी स्किल्स पे काम करने के लिए आप कुछ रिसोर्स बता सकते हो, कहाँ कहाँ से जाके वो अपडेट कर सकते हैं. मेरी जो सेल्स की सीडी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदे को दिखाओ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? और एक्सपीरियंस सीख सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से आप उसको सिखा सकते हो. तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्लान हो गया, किस तरह से, किस स्किल्स पे काम करोगे आप. जो मैंने काम किया मेरी लोगों पे, मैंने पूजा और दीपा को तो दिया ही था, मेरी खुद की एक लाइब्रेरी 1000 से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बुक बनी हुई है. दीपाली उसमें से कोई ना कोई बुक लेके जाती है मुझे बता के और पढ़ती है. आज उसके भाई वगैरह भी पढ़ाई कर रहे हैं बुक में, राइट? नेक्स्ट चीज आती है हमारा रोल क्लैरिटी टेम्पलेट.
जिन बंदों को हम लेकर आ रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके रोल को हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, रोल क्लैरिटी देना पड़ेगी, राइट। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? यहां तक सब क्लियर है? तो रोल क्लैरिटी में आपको रोल बताना पड़ेगा। तो मैंने एक बंदे को रिक्रूट किया और रोल चाहिए मेरे को टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो रोल आ गया उसका टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। रोल डेफिनेशन, उसकी रोल की डेफिनेशन डिफाइन करो, ये टेम्पलेट है आपका। रोल डेफिनेशन में आप बोल दो टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेटिंग अप मीटिंग्स विद कॉर्पोरेट एचआर के साथ मीटिंग फिक्स करेगा, मार्केटिंग मैनेजर और सेल्स टीम के साथ में क्या करेगा, ब्रिज बिल्ड करेगा, राइट, ताकि वो डील को कन्वर्ट कर सके। तो रोल की डेफिनेशन उसको डिफाइन करो, उसकी क्या क्या डेफिनेशन है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो। अब टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डेटा निकालना है, डेटा मैनेज करना है। तो डेटा कहाँ कहाँ से निकालना है वो निकालो, राइट। तो डेटा जनरेट करना है उसको, इंडिया मार्ट से जनरेट करना है, जस्ट डायल से, या तुम्हारे कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो डेटा का तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, राइट। नेक्स्ट तुम्हारी क्या आती है, टास्क एंड एक्टिविटी आ जाएगी। उसका टास्क क्या है, वो टास्क डिफाइन कर दो उसका। उसके बाद में मेजरमेंट मैट्रिक्स डाल दो। मेजरमेंट मैट्रिक्स में दिन के तुम्हारे को 250 कॉल करना है, 300 कॉल करना है, इतने कॉल करना है, राइट। मेरे को रिपोर्ट चाहिए, रिंगिंग इतने हो गए, स्विच ऑफ इतने हो गए, नॉट इंटरेस्टेड इतने, ये जो भी चीज आ रही है ना, तो कंफर्म कॉल कितने, कंफर्म मीटिंग। तो मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को ये मत बताओ 200 कॉल कर दिए, 300 कॉल दिए। तो मेजरमेंट मैट्रिक डाल दो, आज मेरे को 20 कंफर्मेशन दिए, 30 कंफर्मेशन दिए, 25 कंफर्मेशन दिए, तो मेरे को कंफर्म अपॉइंटमेंट चाहिए, इतने कॉल चाहिए मेरे को। अगर कंफर्म अपॉइंटमेंट्स कम आ रहे हैं तो उसकी टेलीकॉलिंग में प्रॉब्लम है, इसकी टेलीकॉलिंग में बात करना, स्किल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पा रही, सब नॉट इंटरेस्टेड बोल रही है, राइट। तो परफेक्ट मेजरमेंट, अब ये तुमने क्लैरिटी टेम्पलेट दे दिया, उसको पूरा बना के दे दिया, प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, बंदे को काम पे ले गया, बोलते चल शुरू कर दे काम, उसको फीडबैक दे, भाई मैं आगे करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ बताओ, कैसे करना है कुछ भी नहीं पता। तो तुम एक्सपीरियंस बंदे को लेकर आओ या फ्रेशर को लेकर आओ, तुम्हारे पास रोल क्लैरिटी टेम्पलेट होना बहुत जरूरी है, ताकि उसे पता चल सके उसे करना क्या है, राइट। और नेक्स्ट चीज आती है, जिस बंदे को तुम ला रहे हो तो कॉम्पिटेंसी क्या क्या चीजें तुम उसके अंदर देखोगे। तो पहला आ गया, तुमने स्किल्स देखना है तुम्हारे अंदर, कौन सी स्किल्स। अभी मैं बंदे को रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं ऐसे बुला लेता हूँ, तो तुम्हारे पास पूरा एक प्रिपरेशन होना चाहिए। मेरे को ये स्किल बंदा चाहिए, फ्लुएंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट रहना चाहिए, रेपो बिल्डिंग स्किल्स होना चाहिए, टेलीफोन एटिक्वेट्स रहना चाहिए, ये सारी चीजें पता रहना चाहिए इसको। नॉलेज में उसको क्या आना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए, इंटरनेट यूजेज आना चाहिए, और डेटा कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए, एक्सेल वगैरह एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए। उसकी इमेज किस तरह की रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, सेल्स एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट। ट्रेड्स मतलब उसके बिहेवियर कैसे रहना चाहिए, टॉकेटिव रहना चाहिए उसका बिहेवियर, हाई एनर्जी रहना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न रहना चाहिए उसमें, मोटिव क्या रहना चाहिए, हंगर फॉर ग्रोथ रहना चाहिए, और विन विन फिलोसॉफी पर उसको काम करना चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हारे को चेक करना है। तो कॉम्पिटेंसी का तुम्हारे इसमें ये आ गया चीजें। यहां तक क्लियर है तुम्हारा जो चीजें मैं बता रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पूरे सेशन को मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक लेता हूं, पूरा एक दिन का प्रोग्राम है, लेकिन यहां पर मैं चीजें तुमको बता रहा हूं, तुम्हें करना क्या है, एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट निकाल के दे रहा हूं, ये दो चीजें तुम्हें करनी है। ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको टूल है, इसको तुमने सही से इंप्लीमेंट कर दिया ना, एक खतरनाक तुम टीम बिल्ड करोगे, और जब तुम्हारे पास टीम है तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। और टीम को बनाने का क्या, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी दो तरह के लोग हैं टीम में मेरे, एक तो मैं गली क्रिकेट खेल रहा हूँ, गली में मेरे टीम बनाया, गली के क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं, लोग 5 मैच से लगातार 0 पे आउट हो रहा है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगले मैच में मैं तेरे को लेने वाला हूँ, अगले मैच में मैं तुमको अपॉइंट करने वाला हूँ, राइट। 5 मैच से 0 पे आउट हो रहा है बंदा, फिर भी बोलता हूँ अगले मैच में तेरे को लूंगा मैं, क्योंकि मेरा दोस्त है, तेरे को टेंशन मत ले। लेकिन ये चीज क्या इंडियन टीम में चलेगी, 5 मैच से बंदा 0 पे आउट हो रहा है, इंडियन टीम झेल पाएगी उसको, अगले मैच फट से बाहर कर देगी, बोले 13 मैन वेट कर रहा है उसको लेके अंदर, राइट। तो वहां पर तुम्हारी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है, बॉल टू बॉल मेजर किया जाता है, राइट। उसी तरह से तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस को भी तुमको मेजर करना पड़ेगा, एवेल्यूएट करना पड़ेगा, क्या ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो वेटिंग में दूसरे लोग बैठे हैं, तुम उनको लेकर आओगे, राइट।
तो परफॉर्मेंस को तुम मेजर किस तरह से करोगे? अभी तुम्हारे पास जो टीम काम कर रही है, जब तुम्हारे पास जो टीम काम कर रही है तुम उसको देखो और उसको तुमको मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अभी मेरी कंपनी जो है रिक्रूटमेंट का काम कर रही है, एचआर फर्म चला रहा हूं मैं, राइट. और मेरे पास जो बंदे हैं, जो 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 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं, एक लड़की मेरे पास काम कर रही है, उसने पहले महीने में कुछ काम नहीं किया, दूसरे महीने में एक बंदे रिक्रूट किया और तीसरे महीने में दो बंदों को रिक्रूट किया. तो तीन महीने में उसने तीन बंदों को रिक्रूट किया और तीन महीने का दो आती है. मैंने उसको बोला तीन महीने का प्रोबेशन पीरियड है, ये होने दे, उसके बाद मैं या तो प्रोबेशन में एक्सटेंड करूंगा या तूने परफॉर्म किया तो मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा, मैं तेरा प्रोबेशन खत्म करके तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ हमने बात कर लिया उससे. अब वो आ जाती है हमारे पास और बोलती है कि सर मेरी सैलरी बढ़ाओ, आपने बोला था बढ़ाने के लिए, मैंने किस बात की बढ़ाओ, मैं सैलरी परफॉर्म किया ना मैंने, क्या परफॉर्म किया भाई तुमने? बोलती है मैंने लगाया ना कंपनी में, तीन लोगों को रिक्रूट किया मैंने. और रिक्रूटमेंट फॉर्म में पता है आपको कितना सैलरी मिलता है? 8.33 सीसी कुछ आपका आता है पैसा, वो भी रुक रुक के आता है, तुरंत हाथ पे पैसा आता नहीं है, राइट. तो अब वो बोलती है कि सर मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैंने काम किया, क्या किया? बोले तीन लोगों को लगाया ना मैंने. बोले तीन लोगों को लगाया कितने दिन में लगाया? बोले लगाया ना अभी तीन, अभी जो मेरा प्रोबेशन में लगाया मैंने. अरे बोले तीन महीने में तूने तीन लोगों को रिक्रूट किया, पहले महीने में तूने कुछ नहीं किया, दूसरे महीने, तीन महीने में तूने तीन लोगों को रिक्रूट किया, तीन लोगों को रिक्रूट करने में तेरी पगार भी नहीं निकलेगी. तेरे को समझता है कि नहीं समझता है? कुछ पागल है क्या? अकल नहीं तेरे को? क्या काम किया तूने, कितने लोगों को लगाया? तो पूछती है कि तीन लोगों को लगाया सर, कितने लोगों को लगाना चाहिए? वो अपने से पूछती है कितने लोगों को लगाना चाहिए, अपने बोलते तेरे को नहीं समझ में आता कितने लोगों को लगाना चाहिए, मैं बताऊंगा तेरे को. इस तरह के हमारे आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं. तो बोलती कौन बताएगा? बोले अरे तेरे को, तू एक्सपीरियंस, तूने बोला था मैंने एक्सपीरियंस और ये है, तेरे को नहीं समझ में आता है? और वो बोलती है ठीक है सर, और पेपर देती है, बोलती है ये रखो और कल से मैं काम पे नहीं आ रही, और छोड़ के चली जाती है. यहाँ पर क्या होता है, हमको भी नहीं, हमने उसको डिफाइंड एक डिफाइंड गोल नहीं दिया हम उसको, राइट. और हम उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो हमसे आर्ग्यूमेंट कर रही, हमने क्लैरिटी दी नहीं उसको, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना. तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर देते हैं हम उसको. जैसे ही बंदा आया मेरे पास, हम उसको बोलते हैं देखो बेटा तुम्हारे को महीने का ना तीन लोगों को रिक्रूट करना है, एवरेज है तुम्हारा ये, एक महीने में तीन लोग रिक्रूट होना चाहिए तुम्हारे, क्लियर है? तो बोलेगा हाँ. तो एक महीने में तीन लोग रिक्रूट करना है, ये तीन लोग आएंगे तब तुमको पगार मिलेगी. और बिलो एवरेज क्या है तुम्हारा? वन है. अगर ये अगर बिलो एवरेज जाओगे तो तीन महीने में देखूंगा तुमको, शायद हो सकता है मैं टर्मिनेट भी कर दूंगा. तो बिलो एवरेज में चल नहीं पाएगा ये, तुमको तीन लोगों को करना है, ये बिलो एवरेज के नीचे, और उसके नीचे होगा तो तुम समझ जाओगे शायद सैलरी भी नहीं मिले, क्या होगा भगवान ही जाने तुम्हारा, ठीक है. तो हमने उसको डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया, तीन अगर होता है तो उसको सैलरी मिलेगी, राइट. दूसरा, अगर तुमने थोड़ा और बेटर किया, प्रोबेशन पीरियड में तुमको तीन ही लाना है, तीन महीने में नौ लोगों को लाना है, ठीक है. लेकिन अगर तुमने पहले ही महीने में तीन की जगह पांच लेके आ जाते हो, तब मैं तुम्हारे को अवार्ड रिवॉर्ड या इंसेंटिव दूंगा. ये एक इंसेंटिव दूंगा, 1% इंसेंटिव दे दिया मैंने तुमको, राइट. या 0.5% इंसेंटिव दे दिया, कुछ भी एक्सपायरी डेट दे दिया मैंने, 0.01 दे दिया परसेंटेज, तो ये तुम्हारे को मिलेगा. जो तीन लाना है तुमने पांच लेकर आया तो तुमको ये इंसेंटिव मिल जाएगा, मतलब 500 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1000 रुपए तुमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो बोलती है वेरी गुड. और उससे ज्यादा लाया तो उससे ज्यादा, अगर तुम पांच की जगह 10 लोग लेकर आती हो पहले महीने में, तब तुमको क्या मिलेगा? सीधा 2000 रुपए मिल जाएगा. और अगर 20 लेकर आती हो पहले महीने में या दूसरे महीने में 20 लेकर आती हो तो तुमको 10000 रुपए मिल जाएगा. 5% तुमने सेट किया है, ये 3% इंसेंटिव मिल जाएगा, 5% इंसेंटिव मिल जाएगा, ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रहेगा. तो हमने उसको लेवल दिखा दिया कहां कहां पर पहुंचना है उसको. उसके अंदर मोटिवेशन आता है. अब उसको लगता है कि मेरे को जो सर ने पगार दी है तो मेरे हाथ में है, मैं इसको डबल ट्रिपल मेरे हाथ में, मैं इसको जितना चाहिए उतना कमा सकती हूं मैं. अब उसको पता है कितना करना है. समझ में आ रहा है? तो मेरी कंपनी में अगर सैलरी मैं दे रहा हूं उसको 10000 रुपए सैलरी दे रहा हूं, तो उसका टारगेट है 1,00,000 रुपए. अगर तुम 1,00,000 का टारगेट अचीव करते हो तो तुम्हारा सैलरी 10000 रुपए तुमको मिलेगा, राइट. और 10,000 तुमने 1,00,000 अचीव कर लिया, प्लस मैं तुम्हारे को 1% और दे दूंगा, मैं तुम्हारे को एज इंसेंटिव दे दूंगा, या 2% इंसेंटिव दे दूंगा, 2000 और दे दूंगा मैं तुम्हारे को, राइट. तो मैंने उसको टारगेट दे दिया 1,00,000 रुपए. 1,00,000 अगर वो करता है तो 10,000 सैलरी तो मिल रही है, 2,000 रुपए इंसेंटिव मिलता है, या एक जो भी मैंने सेट किया 1,000, तो 1,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा. तो मैं 2,000 पकड़ता हूँ तुम्हारे समझाने के लिए, राइट. उसको अगर वो बहुत मेहनत किया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा और मर मर के टारगेट तक पहुंचा, 80,000 तक पहुंच गया वो, तो टारगेट के काफी करीब है, लेकिन टारगेट उसके हाथ से फिसल गया, पहुंच नहीं पाया. अब मैं उसको कुछ नहीं करूंगा तो वो डीमोटिवेट हो जाता. तो ये मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में. तो मैं बोलता हूँ अगर 80% भी अचीव हो गया, ब्लो एवरेज है, तो भी मैं तेरे को 1% दूंगा, राइट. तो 1000 रुपए दूंगा मैं, या 500 रुपए दूंगा, 0.5% दूंगा. तो अगर वो टारगेट के पास भी आता है, 80% भी अचीव किया, तो मैं उसको लूजर नहीं, विनर ही मानता हूँ.
लेकिन मैं उसको मोटिवेशन टूटे नहीं, अगले महीने और अच्छा करना चाहिए, तो मैं ब्लो एवरेजेस का इंसेंटिव पकड़ता हूं मैं। क्लियर है? तो 1% एवरेज पे 2% आ गया, वेरी गुड। अगर उसने 120% किया, 1,00,000 रुपए धंधा लाना था, 1,20,000 का धंधा लेकर आया, तो मैं तेरे को कितना परसेंट दे दूंगा? 3% दूंगा, 3,000 और मिलेगा। 1,00,000 रुपए लाना था, उसने 1,50,000 रुपए लेके आया, 150% टारगेट अचीव कर दिया, तो मैं कितना दे रहा हूं उसको? 4% दे रहा हूं उसको। 1,00,000 रुपए लाना था, अब वो क्या करता है? 2 महीने का पैसा सीधा मेरे को 1 महीने में लेकर आया, 2,00,000 रुपए लेकर आया, मैंने उसको 5% दे दिया। अब तुम खुद कैलकुलेट करो, 2 महीने का पगार 20,000 रुपए होता है, मैंने 10,005,000 दिया, तो भी मैंने 15,000 ही दिया, 5,000 फ्री मेरा बचता है, राइट? लेकिन इसने 2 महीने का पैसा 1 महीने में ला के दिया, इसको इंसेंटिव मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये इंसेंटिव कल्चर तुम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में डालो, इससे टीम में मोटिवेशन आएगा, इससे टीम में ओनरशिप आएगा। अब वो तुम्हारे लिए नहीं काम कर रहे, वो लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है हमको ये महीने में कितना पैसा बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? तो ये सिस्टम तुमको बनाना है। इसमें उनको शेयरिंग लग रहा है, कंपनी मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका परसेंटेज मिल रहा है, और वो लोग फिर अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीजें तुम्हें बिल्ड करनी है। नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारी, कुछ और पॉइंट बताता हूं मैं तुम्हारे को। हाँ, नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखो जो पीपीटी में नहीं है। अपनी कंपनी का कोर पर्पस आइडेंटिफाई करो। तुम सुबह क्यों उठते हो? व्हाई डू यू गेट अप फ्रॉम द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह क्यों उठते हो? सुबह उठने का कारण क्या है? तो दीपाली अगर कनेक्टेड है, दीपाली आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ दीपाली, आपका अपनी कंपनी का कोर पर्पस क्या है? सुबह क्यों उठती हो? क्या रीजन है क्यों उठती हो सुबह में? टू बिल्ड सक्सेस स्टोरीज एंड टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी बाय टेकिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बॉटम 10 टू टॉप 10 पोजीशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग देयर लिमिटिंग बिलीव्स एंड डेवलपिंग द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ये सर पीटर ड्रकर ने ये सिस्टम बताया था कि 5 क्वेश्चन आस्क्ड बाय एवरी एंटरप्रेन्योर, ठीक है? हर एंटरप्रेन्योर को 5 क्वेश्चन पूछने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें से पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे उठने का कारण होना चाहिए, हम सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, राइट? तो सुबह हम जल्दी क्यों उठते हैं हमें पता होना चाहिए, इसका हमें कारण पता होना चाहिए। और जिसके पास कारण नहीं है उसका कोई मकसद ही नहीं। तो हम सुबह उठते हैं लोगों की सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के लिए, उनके ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए, उनके अंदर आदतें बिल्ड करने के लिए, सक्सेसफुल लोगों की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की, राइट? उनके लिमिटिंग पैराडाइम को ब्रेक करने के लिए। तो ऐसा कुछ हमने कोर पर्पस बनाया, हमारे उठने का कारण है, हम हर दिन किसी ना किसी को इंस्पायर करेंगे, हम हर दिन किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ऐसा ही आपका एक कोर पर्पस होना चाहिए जो हर आदमी जिएगा, राइट? हर आदमी जिएगा और वो कोर पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है सही आदमी को सही जगह पे बिठाना है आपका। तो आप लिख लो अपनी कंपनी का कोर पर्पस बनाओ, आपके उठने का कारण क्या, ये पॉइंट लिख लो, पीपीटी में नहीं है, ठीक है? अगली चीज आती है आपका, 4 तरह के काम होते हैं आपके जब भी आप करने जाओगे। तो कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप बैड हो, मतलब उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं दोगे, आप बैड ही हो, मतलब कुछ भी कर लो आप उसमें फेल ही होने वाले हो। सेकंड कैटेगरी काम वाले काम वो जिसमें आप ठीक ठाक हो लेकिन कुछ एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे, उसको हम बोलते हैं एबल वर्क, एबल काम बोलते हैं। और थर्ड कैटेगरी के काम वो है जिसमें आप सुपीरियर हो, अमेजिंग अफलातून रिजल्ट देते हो आप, खतरनाक रिजल्ट देते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको इतना मजा नहीं आता है। और फोर्थ कैटेगरी के काम वो होते हैं जिसमें आप एक्सीलेंट रिजल्ट देते हो, अमेजिंग अनबिलीवेबल रिजल्ट देते हो, राइट? तो हमें थर्ड और फोर्थ कैटेगरी वाले काम करना है, फर्स्ट टू कैटेगरी वाले काम डेलीगेट कर देना है। मतलब जैसे आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं और वो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। कोई टीम बिल्डर, कोई टीम जीनियस होता है जो टीम को लेकर चलता है, कुछ लोग इनोवेशन जीनियस होते हैं, इनोवेट करने वाले होते हैं। जैसे आप स्टीव जॉब के बारे में अगर स्टडी करोगे तो पता चलेगा स्टीव जॉब जो था वो इनोवेशन वाला आदमी था, इनोवेशन में एक नंबर था, लेकिन लोगों में कैसे मैनेज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, उसमें कलाकारी नहीं थी, इसीलिए उसको सीईओ के पद से निकाल के बाहर फेंक दिया था, उसी कंपनी से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया था, क्योंकि लोगों के साथ उसको डील करना नहीं आता था, उसमें बैठ था वो, लेकिन जीनियस आदमी था, राइट? उसी तरह से आप नारायण मूर्ति को देखो, जो टीम बिल्डिंग, उसका टीम बिल्डिंग की कलाकारी थी, लोगों को मैनेज करना आता था, लोगों को लेकर चलना आता था, तो एक बढ़िया सी टीम बनाया और इन्फोसिस कहां से कहां खड़ी है। सेम आज मोदी जी को देखोगे अगर आप, तो उनको लोगों के साथ कनेक्ट होने आता है, जब भी लोगों में जब भी बात करेंगे तो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं जितनी बार भी आते हैं वो, राइट? उसी तरह से मनमोहन को देखोगे तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, नंबर गेम में एक्सपर्ट थे वो, और जैसे ही हम ये आदमी की पोजीशन यहां से यहां कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
मोदी जी को यहाँ छोटा के किसी और जगह पर डाल दोगे तो प्रॉब्लम होगी, मनमोहन सिंह को यहाँ छोटा कहीं और डाल दोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो राइट मैन एट राइट प्लेस होना चाहिए, सही आदमी सही जगह पे होना चाहिए, सही आदमी का सही जगह पे होना चाहिए। और आपको पता है सोनिया गांधी जी ने क्या किया था, मनमोहन को उठा के वहां से लीडरशिप की कुर्सी बिठा दिया, सामने बहुत सारे लोग थे लेकिन उनको नहीं दिया, मनमोहन सिंह को दिया और उनके हाथ से कोई चीज कंट्रोल नहीं होती, हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा था। कांग्रेस का क्या हाल हो गया आप देख सकते, आप सबके सामने है, बराबर है। और मोदी जी राइट जगह पर है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं अगर देखूं मेरे अंदर जो क्वालिटी है, तो पीपीटी बनाना हो गया या ऑफिस का सुपरविजन हो गया, ये सब चीजें मैं देख करने जाता हूं तो मेरा माइंड सटकता है, इरिटेशन होता है मुझे। तो ये काम करना चाहिए मुझे, शायद मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे उससे करवाना चाहिए जिसको ये काम करने में मजा आता है, जिसकी वो सुपीरियर एक्सीलेंट एबिलिटी है। सेल्स करने में मुझे मजा आता है, सेलिंग मेरा बेस्ट मजा आता है मुझे, तो मेरे को फोकस सेल्स पे करना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, मेरे को ट्रेनिंग लेने में मजा आता है, ये सब बातें करने में मजा आता है, तो मेरे को ये करना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड दो काम जो है ना, ये दो काम पे फोकस करना है, बाकी सारे काम डेलीगेट कर देना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अब आपको देखना है कौन से काम ऐसे हैं जिसमें आप सुपीरियर या एक्सीलेंट हो, वो दो ही काम करना है, बाकी सारे काम आपको डेलीगेट कर देना है। उसी तरह से सही आदमी को सही जगह पे बिठाना है। अभी जो आपकी वीकनेस है, जिस आदमी को ला रहा है वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, बहुत कम कट्टूकट बात करने वाला, बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी है मेरी। तो मैं अगर मेरे को सेल्स में या मेरे को इसमें रिलेशन बिल्डिंग में काम करना है, तो मेरे को ऐसा बंदा लाना है जिसकी टॉकेटिव बंदा होना चाहिए, जो बहुत जल्दी इजी टू कनेक्ट हो सके लोगों को, तो ऐसा बंदा लेकर आना है मुझे। तो मैं पहले दीपा पांडे को लेकर आया, फिर मैं दीपाली को लेकर आया, और ये लोग बहुत जल्दी किसी के साथ भी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो मेरी वीकनेस है वो इनकी स्ट्रेंथ है। ये कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट हूं, राइट। तो अब ये जो काम कर रहे हैं, ये लोगों में काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों वाले लोग हैं, ये लोगों में अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। और मैंने अभी सेल्स में बताऊंगा अपनी पर्सनैलिटी कैसे चेंज करना चाहिए, मैंने बहुत काम किया, मेरे को पर्सनैलिटी चेंज करना आता है, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, तो मैं भी काफी हद तक अपनी एक्सट्रोवर्ट जहां पे मुझे लगता है वहां पे मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूं, लेकिन मेरी टीम में सब तरह के लोग हैं, और अपने को वो काम, उसको वही काम देना है जो जिसके लिए वो बना है। तो सही आदमी को सही काम देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करता हूं तो मैं देखता हूं, यही सवाल पूछता हूं कि कौन सा उनका, मैं आइडेंटिफाई करता हूं उसका बैड एबल सुपीरियर एक्सीलेंट कौन सा है, और मैं सिर्फ पोजीशन चेंज करता हूं, अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। जब मैं काम करने जाता हूं तो लोग बोलते हैं सर टीम बदलना पड़ेगी, टीम पे प्रॉब्लम करना, बोले भाई टीम मत बदलो, पहले मेरे को काम शुरू करना, तो अभी किसको निकालो मत, किसको रिक्रूट मत करो, पहले मैं आता हूं काम करना शुरू करते हैं, फिर देखता हूं। जब मैं बात करना शुरू करता हूं देखता हूं, तो मैं देखता हूं गलत आदमी गलत जगह पे बैठा है, सिर्फ पोजीशन चेंज करता हूं जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। एक सिक्योरिटी कंपनी में विराज गार्ड में हम लोग काम कर रहे थे, एक सिक्योरिटी कंपनी है वहां पर ये लोग सर्वे के लिए जाते थे, मैंने देखा दो बंदे थे, एक टेक्निकल बंदा था और एक लोगो वाला बंदा, सेल्स वाला बंदा था, दोनों की पोजीशन अलग अलग थी, पोजीशन अलग अलग थी क्योंकि एक बंदे को आ गया किसी के थ्रू पुरानी कंपनी पर, वो काम किया, यहाँ पर आके उसको कुछ भी काम दे, दूसरा काम दे दिया। मैंने बात की, बोला मेरे को ये, मैंने समझ गया इसका पर्सनैलिटी किस तरह की, मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की, बोला ठीक है अभी तू इसके साथ में जाना शुरू कर, उसको मजा आने लगा, थोड़े देर के बाद हमने उसकी पोजीशन यहाँ डाल दी, उसकी पोजीशन यहाँ डाल दी, अमेजिंग खतरनाक रिजल्ट आने लगे। तो आपको राइट आदमी को राइट जगह पे लेकर आना है, क्लियर है। दूसरा चीज, लाइफ में लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, अपने ऊपर भी करना है और अपनी टीम के ऊपर भी करना है, सीखना बंद नहीं करना है, लर्निंग बहुत जरूरी है। ये चीजें जब होती रहेगी, जिस तरह हमको डेली ब्रेकफास्ट जरूरी है, उसी तरह से डेली मोटिवेशन, डेली ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ये ट्रेनिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट कल्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डालना है, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। यहां तक सब क्लियर है आप लोगों का, सारी चीजें जो मैंने बताया, या कोई डाउट? तो मैं अभी आप लोगों को टू डू लिस्ट काम दू करने के लिए, असाइनमेंट दू, करोगे? तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। पहली चीज मैंने जो बताया, नॉट टू डू लिस्ट फॉर लाइफ, अपनी लाइफ में कौन कौन से काम है जो लाइफ में कभी नहीं करोगे, उसकी लिस्ट बनाओ, नॉट टू डू लिस्ट वाले काम बनाओ। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी भी टेलीकॉलिंग कॉल नहीं करूंगा, मैं डेटा जनरेट नहीं करूंगा, मैं अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा, मैं मेरा नंबर किसी को नहीं दूंगा। तो मेरे जो बड़े बड़े क्लाइंट जो भी है ना, जो 10 CR से 1000 CR के, उन तक के पास मेरा नंबर नहीं है, राइट। अब मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ, या अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा हूँ, वो टाइम पे जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी बहुत से काम ऐसे जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने नॉट टू डू में डाले थे, वो नॉट टू डू में आज भी मेरे, राइट। तो नॉट टू डू लिस्ट
फॉर लाइफ बनाना है, राइट right? जैसे मेरे फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है तो खाने में क्या आइटम रखना है, ये आइटम रखना है, ये आइटम रखना है, मेरे को खाना पीना पसंद है तो मैं घुस जाता था भाई ये नहीं ये रखो ये नहीं ये रखो, अब ये सब में अपने को नहीं पढ़ना है। बजट बनाओ कितना देना, पैसे मैं दे दूंगा बाकी तुम करो, मेरे को सोचने दो कहां से धंधा आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये मैंने छोड़ दिया, घर में कुछ भी काम इंटीरियर का काम होगा या ऑफिस में होगा तो मेरे को खड़े को सुपरवाइज नहीं करना, मैं खड़ा भी हो गया तो एसी ऐसा सीधा लग रहा है, मैं रहूंगा तो टेढ़ा लग जाएगा क्योंकि मैं देख के भी काम करने मेरा बैड है वो, मैं इतना इरिटेट करूंगा फटाफट जल्दी कर उसको भी और कंफ्यूज करूंगा और गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, तो मेरे को वो नहीं करना है, राइट? तो मैंने डिसाइड किया कौन कौन से काम मुझे नहीं करना है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉट टू डू दिस बनानी है हमारे को। नेक्स्ट चीज आती है हमारी, अपनी टीम को विन 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 फिलोसॉफी बतानी है, मीटिंग लेकर उनको सिखाना है, टीम हायर करना है और हायरिंग का हायर स्लो फायर फास्ट करके इस तरह से रिक्रूट करना है, टीम रिक्रूट कैसे करना है वो बताया मैंने, कॉम्पिटेंसी टेम्पलेट बताया मैंने, कॉम्पिटेंसी टेम्पलेट में मैंने क्या बताया आपको, कौन से लोग लगेंगे, पीपल्स लगेंगे, रिसोर्स लगेगा और एक्सपीरियंस, ठीक है? तो पीआरई मॉडल में हमने बात की थी। और नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, हाँ, मीटिंग लेना टीम के साथ और एस्पिरेशन गोल पे काम करना, जो मैंने दीपाली के साथ काम किया था, जो मैंने दीपा के साथ काम किया था, ये सब पेपर लिखे हैं मेरे पास और ये सब चीजें उन्होंने अचीव किया है, राइट? तो टीम एस्पिरेशन गोल पे काम करना है, पीआरई मॉडल हो गया हमारा, रोल क्लैरिटी टेम्पलेट हो गया और रिव्यू सिस्टम परफॉर्मेंस इंडिकेटर आ गया हमारा 1, 2, 3 जो बताया ना, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, तो ये सारी चीजें तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारा चीजें तुम्हें टीम बिल्डिंग के लिए करना है जिससे तुम एक पावरफुल खतरनाक टीम बिल्ड करोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो एक एक करके अपना हैंड रेस करो और जो भी सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हो। तो निलेश भाई कुछ सवाल है आपका, अपने हाथ हैंड रेस किया यहाँ पर, अगर है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ कोई भी पूछ सकता है, तो क्यों नहीं हम लोग चलाएंगे घंटा उसमें हम बात करेंगे। यस, बीएच नाम है, ये नाम आपका नहीं पता मुझे, क्या आपका नाम बताओ, बोलिए पहले नाम बताइए आपका। प्रमोद भाई कुछ बोल रहे हो आप? हेलो, यस, नाम बताइए पहले आपका। हेलो पाविन, हेलो हेलो, यस यस, हाँ पाविन सर सुने इधर है, हाँ नाम बताइए आपका नाम, हाँ बोलिए सुनाई दे रहा है। हाँ सर, आपने वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बताया, टीम के लिए डायरेक्ट सेलिंग में तुम हो तो फिर उसके लिए। भाविन जी बोल रहे हैं ना, भाविन? हाँ जी, हाँ सर। भाविन जी, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं जो टीम बनानी है ना अपने को, पहले तो ये देखना है कि हमारे को अभी नई ज्वाइनिंग करवानी है, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको क्रिएट करना है, क्या करना है, दो चीजें। नया सर, एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग नहीं मिल रहा है तो उसके लिए। हाँ, अभी अपना सेल्स एंड मार्केटिंग में आएगा, उसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इंटरनेट पर जाओ, ठीक है, और एमएलएम के लोगों को, एमएलएम के बहुत सारी ये रहेंगे अपने जो नेटवर्कर रहेंगे उनकी साइट पर जाओ, बहुत से ट्रेनर रहेंगे और बहुत से लोग डालते हैं नंबर डालो ये डालो वहां डालो, ऐसी जगह पे आपको बहुत से लोगों के नंबर मिलेंगे, फ्री में नंबर मिल जाएगा डेटा फेसबुक से, वो नंबर नोट डाउन करो, ठीक है, क्लियर है? तो वहां से पहले डेटा जमा करना शुरू करो। फिर दूसरा आता है आपका, एक वीडियो बनाना है आपका, जैसे मैंने वीडियो बनाया था फेसबुक पे, अभी मेरा पेज कोच सलमान खान आपने लाइक किया है भाविन जी? हाँ जी, यूट्यूब में ना, फेसबुक पे कोच सलमान खान? नहीं, तो फेसबुक पे जाना, कोच सलमान खान पेज लाइक करना और उसमें जाके स्क्रोल करना, नीचे बहुत सारे वीडियो रहेंगे, ठीक है, और उसमें दो चार वीडियो का मेरा वीडियो मिलेगा, और मैंने वीडियो पे बात की है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं और वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, 30,000 से लेके 21 लाख रुपए अगर कमाना चाहते हैं, राइट, और आपको अर्निंग करना है इस लॉकडाउन में, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए inq.safl। तो मैंने inq.safl करके एक नया ईमेल आईडी बनाया ताकि मैं इस पर लीड जनरेट कर सकूं, क्योंकि मैंने मेरा ईमेल आईडी नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाती ना, मेरे को ढूंढ नहीं पाता मैं मेल, तो ये मैंने पर्पसली बनाया था लीड लाने के लिए, ठीक है, तो मैंने बनाया कि इसको मेल करो। और हम क्या करते हैं, 50 ग्रुप ज्वाइन करना है, ये मैं आपको अगले सीजन में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सब के बारे में। आप 50 ग्रुप ज्वाइन करना, सुनो ना अभी बता रहा हूं मैं, 50 ग्रुप ज्वाइन करना है फेसबुक के, आपको फेसबुक के अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करना है और ऐसे ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें कम से कम 10 लाख लोग होने चाहिए। मैंने अभी एक ग्रुप है मेरा सीमांचल यूथ करके, मैं इसको माइक बंद कर देता हूँ,
एक सीमांचल यूथ करके ग्रुप है जहां पर आलम मुझे मिला था, मुझे नहीं पता था आलम ग्रुप में होगा, तो मैंने से बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन किए जहां पर लाखों लोग हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग रहना चाहिए उस ग्रुप में, ताकि ऐसे 10 ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए तो मेरा वीडियो 1 करोड़ लोगों तक जाएगा वीडियो, राइट। तो वहां से लोग फिर हमको अप्रोच करते हैं, मेल करते हैं, खतरनाक मेल डेटाबेस आता है क्या सर मुझे करना है, मुझे करना है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, और फिर उन मेल पे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल करके बोलते हैं कि आपने इसके लिए रिक्वायरमेंट दिया था, बोले हाँ रिक्वायरमेंट दिया था, तो मैं आपका एक सर्वे लेना लिखना चाहता हूँ, 13 मिनट लगेंगे, तो अभी टाइम है, मैं बात कर सकते हैं, बोले कर सकते हैं, और ये प्रोसेस हम बताते हैं, और उसके बाद मल्टी लेवल किसी की बात नहीं करनी, वो सिस्टम मैं आपको इसमें बताऊंगा अगले सेशन में, और वो फिर कलाकारी होती है, उसको फिर हमारे वेबिनार में जूम मीटिंग में लेकर आना, और जूम मीटिंग में आएगा तो बंदा वहां पर क्लोज होगा। तो लीड 100 से 1000 से ज्यादा भी लीड आप 1 महीने में जनरेट करोगे इसमें, इस सिस्टम में जो बता रहा हूं मैं। क्लियर है भाविन जी? हाँ, कोई और सवाल किसी का तो पूछ सकते हो, अनम्यूट करो भाविन जी, अनम्यूट करो अपने आपको, या कपिल भाई अनम्यूट करो, जो भी है। ओके, अनम्यूट कर दिया। हेलो सर, हेलो। हाँ भाविन जी, क्लियर है आपका? 1 मिनट, भाविन जी क्लियर है आपका? हाँ सर क्लियर। अभी मेरा फेसबुक पे जाके वीडियो जरूर देख लेना, और मैंने बोला था कि यहाँ पे डेटा मत भेजना, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, 500 तो मेरे को मेल आए, लेकिन लोग आपको वहां भी नंबर मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के, वो नंबर उठा के आप काम करो, अभी डेटा जमा कर लो, काम मत करो, कैसे कॉल करना है वो अगले सेशन बताऊंगा मैं, सेशन मास्टरी में अगले सैटरडे को, ठीक है? ओके सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्रमोद भाई। हाँ जी, अच्छा सर, ये जो आपने जो प्लानिंग दिया हुआ है, आपने जो काम करने का तरीका वगैरह जो बताया आज के जो भी इसमें वेबिनार में, ये बहुत अच्छा है, तो क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई असिस्टेंट मिल सकता है हमारे ऑफिस में, ताकि ये सब चीजों पे वो इम्प्लीमेंट, चाहे एम्प्लॉइज से कराए, चाहे हमसे कराए, या चाहे ये सब डेटा कलेक्ट करने का, जो कॉलेज से बच्चे कलेक्ट करने का, ये सब करने कराने की प्लानिंग करने के लिए भी कोई असिस्टेंट मिल सकता है? अभी सिस्टम पता चल गया ना आपको? हाँ जी, अभी ये 4 सेशन जो है ना, ये 4 सेशन कनेक्टेड रहो, आपने लास्ट सेशन शायद मिस कर दिया था प्रमोद भाई, नहीं कर पाया था, राइट बात है, तो उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी 4 सेशन कनेक्टेड रहो, 4th सेशन में मैं आपको आगे मेरा नेक्स्ट लेवल का एडवांस प्रोग्राम बताऊंगा, वहां पर हम लोग आपके साथ काम कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक हम लोग बताएंगे। ओके सर, हां थैंक यू। हां नाम बताइए। चीफ सर, चीफ मैं म्यूट कर रहा हूँ, बाद में अपने एक बार अनम्यूट करना है, अनम्यूट करके अभी एक जन अपने को अनम्यूट कर रहा हूँ, जो हैंड रेज करेगा मैं उसको बोलूंगा, हैंड रेज किसने किया है? कपिल भाई। हाँ कपिल भाई बोलो, अनम्यूट करो, एक मिनट कपिल भाई अनम्यूट करो अपने आपको। कपिल भाई गुड इवनिंग वंस अगेन सलमान भाई। गुड इवनिंग कपिल भाई, बोलिए। एक क्वेश्चन का जवाब तो मुझे यहाँ मिल गया, पर आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है ऑलमोस्ट मैं इन स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट कर चुका हूँ अपने फिनेंस वर्क में, मैंने बच्चों को इंसेंटिवाइज भी किया, उनको टारगेट ओरिएंटेड भी रखा, उनको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब भी दिया, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने पिछले 25 साल के जॉब करियर्स में सीख के आया था, जहां मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया था। बिल्कुल, तो वो चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की, पर फिर भी जहां एक जगह जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि मैं बंदों में मैंने हमेशा ये तो देखा कि वो ग्रोथ कितनी चाहता है, उसके साथ साथ मैं हमेशा ये ढूंढता रहा कि उसकी नीड कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है, क्योंकि जहां आज आपने जैसे होटल इंडस्ट्री का बात करी है, फिनांस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है हमारे को, बंदा 3 महीने तक काम करता है, थोड़ा सा सीख जाता है, तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत कमा लूंगा, और वो दूसरी जगह मूव कर जाता है। बराबर है, वहां जाके बंदों को सस्टेन करना, सेल्स टीम को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, भला ही हम इंसेंटिव दे रहे हैं, पर वो फिर भी वो आउटपुट नहीं देने को राजी, मेहनत कर, एक होता है कि फिजिकल मेहनत करने का एक अंदर से वो है ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में मैं अपने इस फिनांस फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी भी डाल रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मिस आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ यहाँ के बीटेक कॉलेजेस हैं या बीसीए कॉलेजेस हैं वहाँ जाके इनके रिक्रूटमेंट के लिए बात करूँ, पर अभी कॉलेजेस में चालू नहीं है,
जहाँ क्लासेस चालू नहीं है कि जहाँ पे जाके मैं अभी अप्रोच कर सकूँ, तो व्हाट इज द अनदर वे कि मैं कैसे लोगों को लेके आ सकूँ टेक्निकल टीम के लिए? कपिल भाई दो सवाल थे, दोनों सवाल मैं क्लियर करता हूँ। पहले तो आपको सेकंड सवाल था आपका टेक्निकल टीम, उसका बताता हूँ, फिर दूसरा सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? हेलो, तो मैं अभी म्यूट कर देता हूँ ताकि आवाज का डिस्टर्बेंस नहीं आए, ठीक है? उसके बाद अनम्यूट करना जब ये सवाल हो जाए। हाँ, तो पहली चीज जो है, मेरे को टेक्निकल टीम लाना है, अभी सब बंद है। तो हर कॉलेज के ग्रुप होते हैं, थाना कॉलेज ग्रुप हो गया, न्यान साधना ग्रुप हो गया, खेलकर कॉलेज ग्रुप हो गया, ऐसे कॉलेज के ग्रुप होते हैं फेसबुक पे, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। इनका मेल ग्रुप भी रहता है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है? आपके आसपास बहुत सारे टेक्निकल क्लासेस चलते हैं। अभी आपको MSCIT चाहिए ना, तो सर्च करो अपने जस्ट डायल में जाओ और डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। आप कहाँ पर हो कपिल भाई, कौन से एरिया में बैठे हो आप, अनम्यूट करके बताओ मुझे। जयपुर, जयपुर, जयपुर में। जस्ट डायल में अभी सर्च करना, जस्ट डायल में डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर करके, तो आपको फटाक से नंबर आ जाएंगे आपको जयपुर वालों के, क्लासेस वालों के। अब तो अनलॉक हो चुका है, अब आप जा सकते हो, और अनलॉक नहीं भी हुआ है तो उनको बोल दो कि मैं अभी आप लोग कोर्स सिखा रहे हो, मेरे को लोगों को जॉब देना है। अब हर क्लास वाला ढूंढता है कि हमारे पास यार जॉब के लिए बंदों को वैकेंसी भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप बोलते हो मेरी XYZ एक प्रोफाइल बड़ा बनाओगे, आप बताओगे उनको और बोलोगे मेरे को बंदे चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, रिक्वायरमेंट जॉब के लिए है मेरे को, और आप उनको बोल देते हो। तो 10 इंस्टीट्यूट में अगर आपने बात की, अभी जब जसदैल में सर्च करोगे तो 200 इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। अब 10वीं इंस्टीट्यूट अगर आप निकालते हो, 10 में अगर आपने अपना प्रपोजल भेजा, उनसे बात किया, एक रिलेशन बिल्ड किया, तो 10 में से एक बंदा, दो तीन बंदे तो भेजेंगे आपको। भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ आपको, मैं दिखता हूँ, दो मिनट देना, मैं दीपाली से मेरा वो मंगाता हूँ, एक मिनट हुआ। मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं जो बात कर रहा हूँ वैल्यू ऐड करने की, सफल का पेन देना, कोई सलमान खान वाला है अभी अपने पास? मैंने सफल के बहुत सारे आइटम बनाए। अभी यहाँ पर हमारे एक इंस्टीट्यूट चलता है .com करके, डिजिटल इंस्टीट्यूट है, वो MSCIT वगैरह सारी चीजें सिखाता है। यहाँ से मेरे को फुकट में रिसोर्स मिल जाती है, बहुत सारी टीम लगती है। तो मैं उधर गया, क्लास में गया, उसके बंदे से बात किया, जो बंदा चला रहा है उससे मैंने बात किया, मैंने बंदे चाहिए, तो बोला मैं बताता हूँ आपको, और उसने बंदे भेजा नहीं मेरे को, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनर था उसको, टेंशन में आया। और एक टाइम पे मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता था, वो देखता था मेरे को, पता नहीं, तो एक जमाने से उसको लगता था कि थ्रेट है सलमान खान करके, लेकिन अब मैंने वो ट्रेनिंग ये सब बंद कर दिया। मैंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था ना, पहले मैं टीचिंग भी करता था, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो IT के स्टूडेंट को सिखाता था, वो भी इंस्टीट्यूट चलाता था। अब मैंने वो काम बंद कर दिया, लेकिन उसको लगता है कि पता नहीं चल रहा है कि नहीं, उसके दिमाग में है नहीं चीजें, मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं बाइक लेकर गया, मेरे एरिया में ही है, और मैंने बाइक खड़ी की, दोपहर के टाइम चला गया, और वहां पे एक लेडी बैठी है, मैं चला गया और मैंने उसको बोला, मैंने ऐसे, ये तो मेरा मार्कर पेन है, मेरे पास कोच सलमान खान का पेन अभी मिल नहीं रहा है मेरे को, यहाँ पे लगा रखा है, मेरे पेन ड्राइव है, बहुत सारे आइटम है मेरे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला गया उधर मैडम के पास गया, और बोला कैसे हो, अभी देखो मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, सफल लिखा हुआ यहाँ पर, उल्टा कैमरा नहीं दिख रहा, सफल बैग है, ऐसे बहुत सारे आइटम है मेरे पास। और मैं गया, बोला कैसे हो मैडम, क्या नाम है आपका, मैंने मेरा कार्ड दिया, दिस इज माय कार्ड, और सफल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, आपके बच्चों को रिक्रूटमेंट जॉब के लिए तो लगता होगा, बोले हाँ लगता है। तो बोला मुझे अभी देखो एक डायरी है मेरी सफल की, दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखाई दे रहा है सफल करके लिखा हुआ है। तो मैं बोला कि मैडम ये पहले तो ये रखिए, हमारी तरफ से हमारा एक पेन रखिए और एक डायरी रखिए। अब मैंने क्या किया, पहले जाके गिफ्ट दे दिया, ये समझ में आ रहा है, आदमी दब जाता है वहां पर। बोला मेरे को बच्चे चाहिए, आपके बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस चाहिए ना मेरे को, अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, इनको भी अभी नौकरी तो बाद में करेंगे, इनको एक्सपीरियंस चाहिए, आपने सिखा दिया, प्रैक्टिकल तो नॉलेज नहीं है इनको, तो मेरे को प्रैक्टिकल MS Office एक्सेल टैली वगैरह सिखाई रहो, तो मेरे को बच्चे चाहिए, आप बच्चे भेजो मेरे को। बोली ठीक है मैं भेजती हूँ, तभी से चाहिए। अब वो लेडी मेरे लिए काम करी, बच्चे निकल निकल के वो फटाफट कितने सारे बच्चों को भेजा, कितने लोगों मैंने भेजा यहाँ। तो बंदों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदुस्तान में हम लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, राइट? तो बच्चे इतने हमारे हिंदुस्तान में, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बच्चे तो हर गली में हमको बहुत मिलेंगे, तो यहाँ से बच्चे मिल गए। दूसरी चीज आपने बोली थी टीम के साथ में, राइट? अब अपने को पगार दे दिया, ले लिया, ये सब नहीं करना है अपने को, अपने को वैल्यू एड करना है, किस तरह से ज्यादा वैल्यू एड करते हैं, इंसान के साथ हमको कनेक्ट होना है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मेरे ऑफिस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, हर महीने में परफॉर्मर ऑफ द मंथ हो गया, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब चीजें ना जोड़ के रखती है इंसान को। अब TCS सारा कुछ करके देख लिया, सलमान भाई सारा कुछ करके देख लिया, ये नहीं रिजल्ट मिल रहा फिर भी उस चीज का। अल्लाह, बंदा पैसे के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, पैसे के लिए जा रहा है ना बंदा, तो आप बोलिए। एक्चुअली कुछ को तो मुझे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वो काम करके राजी नहीं है।
वही वाली बात कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, रखिए बराबर है। अभी आप जो मैंने बताया टीम, नई टीम इस तरह से बनाओ जो मैंने बताया, ये तो वैसे भी पैसे नहीं लेंगे ये बंदे जो है, कम से कम पैसे लेंगे कपिल भाई, बराबर ना। दूसरी चीज टीम के साथ ना, टीम जो होती है इमोशन से बंधी होती है, मजे के लिए आते हैं ये लोग, पैसे के लिए नहीं आते, मजा चाहिए इनको, जब तक मजा आ रहा है आपके साथ ही मजा मिलना बंद होकर चले जाएंगे, राइट। अभी जैसे टीसीएस में मेरे एक मैनेजर से बात हो रही थी कई साल पहले की बात है, तो बोलता यार सलमान सर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि बंदे आते हैं और बहुत जल्दी भाग जाते हैं, इनको पैसे की जरूरत नहीं है, मोबाइल है, ये सारी चीजें हैं इनके पास, ऑलरेडी आईफोन है इनके पास, गाड़ी है, पहले लोगों के पास हम गरज देते थे, अब इनको जरूरत ही नहीं है, गरज नहीं है इनको, तो कैसे रोक के रखे। तो मैंने एनवायरमेंट में काम करने का बोला उनको, मेरा लड़के है, बोला हाँ लड़के हैं, इंदौर के हैं, यहाँ वहाँ के, अब थाना मुंबई की बात बता रहा हूँ मैं, तो बोला बाइक वगैरह से कुछ प्लान कर, और उसने फिर प्लान किया कि बाइक से, लड़कों से बात किया, बाइक से जाएंगे इगतपुरी जाएंगे, थाना से इगतपुरी जाएंगे चला के, और ऐसे करके लड़के खुश हो गए, बोले 40 लोगों की टीम है, वो बाइक से सबको लेकर गया, घुमाया फिराया, बाद में ढाबे हैं कुछ यहाँ पर ऐसे लगे, ढाबों पे लेके गया, खाना वाना खाया, उन्होंने एंजॉय किया, अब उनको मजा आने लगा। पहली जो मीटिंग पहली बार जो लेकर गया था उसने अपनी जेब से खर्चा किया, पैसा उसका डाला, सेकंड मीटिंग में किया उसका, तुरंत डिसाइड किया यार अब अपन नई नई चीजें करेंगे, नई नई चीजें ट्राई करेंगे और कॉन्ट्रीब्यूट मिलकर करेंगे, अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी बन गए, वो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। आप देखना टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ना, उसमें बहुत कम होता है छोड़ के जाने का, लोग आते 18-18, 16-16, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और रिलायंस का सबसे गंदा है, बहुत जल्दी लोग मतलब रुक नहीं पाते क्योंकि बहुत गंदा कल्चर है वर्किंग कल्चर। मैं खुद भी टीटीएसएल आई हूं, मैंने टीटीएसएल में, तो आपको तो पता है हाँ ये चीज आप जानते हो फिर उस तरह की, राइट। तो टीसीएस के कई सारे लोग है जो मेरे क्लाइंट है, बहुत सारे लोग हैं, राइट, तो वहां के कल्चर आपको पता है सारी चीजें, बिल्कुल सर। निलेश भाई अनम्यूट करके आप पूछ, हेलो सर, हेलो सर, नाम बताइए, नाम बताइए, मनीषा, मनीषा बोल रही हूँ मैं, यस मनीषा जी, यस मनीषा जी बोलिए जी। मेरा रिजॉर्ट है पूना के पास में, हिल स्टेशन है वहाँ पे है, लेकिन जनवरी से और उसके बाद पर्टिकुलरली मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है वो अब तक चल रहा है और शायद वो जल्दी खत्म नहीं होगा, तो अब तक तो एक भी कस्टमर नहीं आया है, इसके बाद भी कम से कम 6 महीने या साल भर तो ऐसे ही जाएगा ऐसा लग रहा है, तो इस पोजीशन में मैं क्या कर सकती हूँ? तो कुछ नया बिजनेस का प्लान करो आप, स्विच होने का टाइम आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो गया है आपका। एक बुक बता रहा हूँ मैं आपको, एक बुक पढ़ना है आपको, उस बुक का कॉपी मैं आपको मेल दीपाली में कर दूंगा, हू मूव माय चीज, मेरा चीज किसने चुराया, हू मूव माय चीज, हाँ मैंने पढ़ा है सर वो, हाँ हाँ मैंने तो वापस से पढ़ा, कभी पढ़ा था आपने, कितना टाइम हो गया? 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल से। हाँ एक बार निकाल लो वापस से पढ़ो मनीषा जी, ठीक है ठीक है, एक दो घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका माइंड खुद आपको डायरेक्शन देगा, एक बार पढ़ो फिर अपन बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, राइट राइट राइट। दूसरी हर एक बिजनेस का ना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आपको याद होगा म्यूजिक इंडस्ट्री का सीडी म्यूजिक कैसेट है, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो हर बिजनेस का एक लाइफ साइकिल होता है, हमको नए बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते रहना चाहिए। जैसे आईटीसी सिगरेट बनाया करती थी, सिगरेट से बाद में फिर होटल्स में आ गया, एडिबल्स ऑयल्स में आ गया, बहुत सारी चीजें, जैसे मोटरोला का नाम पता होगा, मोटरोला कंपनी जो थी फिनलैंड में जंगल काटा करती थी, फिर मालूम पड़ा कि जंगल पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा, तो मालूम पड़ा कल को याद यार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने फिर देखा कि अभी जो हमको 50% जो हमारे को इनकम है ना किसी नए बिजनेस से आना चाहिए, फिर उन्होंने नए बिजनेस का प्लान किया, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हर एक बिजनेस का होता है, तो फट से दूसरा खड़ा कर देते हैं वो लोग। अभी मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था, लेकिन सर यहाँ तो रिजॉर्ट का पूरा सेटअप रेडी है, सेटअप तो रिजॉर्ट का है ना, इसमें नया क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आने की बात है, कोई भी बिजनेस हो तो वहां से फिर लोग आने की बात है, एक दूसरे के साथ रहने की बात है, तो फिर वही कोरोना का रिस्क हो जाता है ना। बराबर है, अभी हाँ। मेरे को मेरे एक मिलने वाले ने एक मैसेज करके बनाया, उसने उसने 50 अभी एक बैंकेट वगैरह बंद हो गया, कुछ चीजें जिस तरह के आप जैसे ही बिजनेस है, उसने बनाया 75,000 कुछ बनाया, उसने पैकेज बनाया का, और उसमें हम लोग सैनिटाइज करके ये सारी चीजें करने वाले हैं, और जिसमें हम लोग 50 लोगों का शादी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी शादियां डिस्टर्ब हो गई, लेकिन शादी कैंसिल तो कुछ लोग नहीं करेंगे, जो उनका मुहूर्त वगैरह है, ओके ओके, उन्होंने मैसेजेस और वीडियो के थ्रू सर्कुलेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग माइक्रो वीडियो देखने वाले हैं, तो इस तरह के वीडियो आपको बनाना है, मैसेज देना है, ताकि आप
क्या करने वाले कम्युनिटी में मैसेज दोगे? अभी मैं सोच रहा हूँ मेरे घर में शादी करने का किसी का, लेकिन मेरे को वेट नहीं रहा। उसी टाइम पे आपका वीडियो आ गया कि हमारा रिसोर्ट है, हम लोग 50 लोग हैं जैसे गवर्नमेंट ने बोला है, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके, सैनिटाइज करके और ये करके ऐसी बहुत सारी चीजें करके, तो लोगों को आप पुल करोगे वहां से। ओके, अब ये मेरा वीडियो लोगों को लेकर आएगा, समझ में आ रहा है? माइक्रो वीडियो लेकर आएगा, तो अपना मैसेज मैं कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, तो माइक्रो वीडियो काम आएगा आपके। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके, गुड आइडिया, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कौन पूछेगा? अनम्यूट करो और बोलो जिसको बोलना है। हेलो, यस, हाय, हेलो, हाय जी, बोलिए, बोलिए। हाय सर, दीपक। यस दीपक भाई, बोलिए। सर वो मैडम को मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसका यहाँ पे पार्टी प्लॉट है, तो उन्होंने पूरा 99 का पैकेज बनाया, 99,000 लोग आएंगे। मैडम आप चाहो तो मुझे मेरा नंबर सर से ले लेना, मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकता हूँ। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? दीपक पाटिल, दीपक पाटिल, दीपक पाटिल, ओके, या मैडम मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ? आप मुझे नंबर बताएंगे? नंबर बता दूँ? बिल्कुल बता दीजिए दीपक, बता दीजिए। या 9879 222222222 ओके 477 477। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली मैं आपको पूरा बताऊंगा मैडम, कॉर्पोरेट टाइप और वो कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली बात करती हूँ बाद में। थैंक यू सर, थैंक यू। यस जगन्नाथ जी बोलिए। अच्छा सर, ऐसा है, हम लोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में थे, जो फिजिकल सीडी और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी जैसा थोड़ा जैसा आप बोल रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया, अभी जैसा देखा लोगों के पास सीडी नहीं रहता, तो हम लोग अभी ई कॉमर्स साइट एक डेवलप किए antivirus corner.com बोल के। अभी वो साइट को वी वॉन्ट टू प्रोपगेट इन टू द एंड यूजर्स। अभी तक हम क्या करते थे, कंप्यूटर डीलर्स के साथ बैठ के काम करते थे, कंप्यूटर डीलर्स के साथ काम होता था, वो लोग 10 सीडी लेके जाते थे, 50 सीडी लेके जाते थे, कोई 500 सीडी लेके जाता था, वो डिस्ट्रीब्यूशन चलता था। अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा हटके हम लोग ई कॉमर्स साइट बनाया, लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो एंड अदर थिंग्स। सो अभी ये जो ई कॉमर्स साइट है, इसको प्रोपगेट करना है, एंड कस्टमर्स के पास पहुंचना है। डीलर्स को तो हम पहुंच रहे हैं थोड़ा बहुत, उनको डीलर कूपन दे के ये करके, बट एंड कस्टमर्स के पास पहुंचने का जो तरीका होना चाहिए वो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इट इज स्टेइंग बराबर है। अभी अभी मुझे देखना है मैं एक कम टाइम में ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे को अगर ट्रेनिंग को लेके जाना है तो मैं कुछ नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन करूंगा और उनको बोलूंगा मेरे को आपके यहाँ पे मौका दो करने के लिए, जहां पर मैं एक छोटा सेशन रखूंगा, अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है, वहां पर मैं माल नहीं बेचूंगा, वहां प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद मैं मेरे फनल में लेकर आता हूँ, उसमें जो भी कन्वर्ट होता है उसमें एक एक्स वाई जेड अमाउंट मैं आपको दे देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरे को राइट ऑडियंस में पहुंचने का मौका मिल जाता है कम से कम टाइम में। जगन्नाथ जी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दूसरा चीज मैं एक मिनट बंद करता हूँ आवाज बाकी लोगों का। तो नेटवर्किंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे नेटवर्कर से कुछ बात कर सकते हो। जैसे मेरा ट्रेनिंग का था तो मेरे को ट्रेनिंग में एक्सपांड कुछ बड़े लेवल पे लेके आना था, तो मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं मैं सोच रहा था, तो मैंने क्या किया, सीएसटी से लेके बदलापुर तक सेंट्रल लाइन में जितने भी थे सीएसटी और एलआईसी के ऑफिस थे, मैं सब जगह पर गया और मैंने उनको बोला कि पाटिल जी बता रहे लाइन्स क्लब बीएनआई ये सब ज्वाइन कर सकते हो, राइट, नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, वहां पर गया मैं और मैंने मेरी टीम बंदा गया और उन्होंने बोला हमको एक सेशन रखना है, बोले क्या लोग हैं, बोले फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, बोले ठीक है। और मैं एलआईसी के सेशन में सीएसटी में जाके मैंने एक घंटे का संडे के दिन सेशन रखा, वहां पे हर सेंटर में 50 से 100, 150, 200 लोग आते थे वहां पर, इतनी सारी ऑडियंस मुझे मिल जाती थी फ्री में, राइट ऑडियंस। तो मैं वहां पर एक घंटे का सेशन लेता था और उनको अपना एक दिन का प्रोग्राम लेता था, वो फ्री प्रोग्राम, और जहां मैं फ्री प्रोग्राम लेता था वहां पे 1000 लोगों को मैं बुलाता था और वहां पर मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता था मैं। अब दूसरा मैंने एक और चीज शुरू की है, कुछ नेटवर्क ग्रुप थे जिनसे मैंने बात किया है तो उन्होंने बोला कि आप आइए जो भी लोग मिलेंगे हम आप हमें एक परसेंटेज दीजिए, तो मैं उनको एक परसेंटेज दे रहा हूँ, राइट। तो हम ये कर सकते हैं। कुछ और चीजें होती है कि वेबसाइट पे बुलाने के लिए उसको बोलते हैं कि ये कुछ ऑफर देते हैं कि हम क्या बोलते हैं इसको पीवीआर का एक टिकट दे देंगे कि ये दे देंगे वो दे देंगे, कैसे अट्रैक्ट साइट पे लाने के लिए ट्रैफिक जनरेट करने के लिए।
तो आप बहुत सारे नेटवर्किंग का टाइम है और माइक्रो वीडियो सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है जो मैं नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। सलमान भाई आई एम सॉरी मैं आपके बीच में बात काटा, माइट बी मैं क्योंकि जिस फील्ड में मैं अभी गया हूँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में मैं शायद जगन्नाथ जी की इसमें मदद कर सकूं। राइट कपिल, वेरी गुड वेरी गुड। तो जगन्नाथ जी को आप कॉन्टेक्ट कर लेना कपिल भाई, राइट जी। हाँ तो कपिल भाई चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दो, जगन्नाथ जी आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अभी देखो नेटवर्क में एक सोल्यूशन मिल रहा है एक दूसरे का, राइट, लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी ठीक है। हाँ नेक्स्ट किसका कोई सवाल है तो बात बोल सकते हो, पूछ सकते हो। साहिल भाई कुछ बोल रहे थे शायद। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो बोलिए मयूर बोलिए। हाँ सर मैं भी एक्चुअल 2-3 सेक्टर में काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल, जैसे मैम का एक प्रॉब्लम है रिसोर्ट के रिगार्ड। मयूर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, मयूर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ बोलो मयूर। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए। मैं आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन है और आपको पता है कि बिजनेस को हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, तो आपके टीम का अगर हम लोगों को सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा हो सकता है। ओके जैसे अभी मैं 2-3 सेक्टर में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन में भी है, होटल इंडस्ट्रीज भी है, एक प्लास्टिक का होलसेल का वर्क भी हमारे पास, तो वैसा हर एक के पास कुछ ना कुछ शेड्यूलर है, बट ये टाइम हर एक को सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म कैसे कनेक्ट हो जाए बिजनेस के लिए वो थोड़ा इजी नहीं होगा। अगर रेडी अभी जैसे मैम का रिसोर्ट रेडी है और वो अगर आप लोग फेसबुक से या कुछ ऐसा ऐड करके देते हैं तो हम लोग भी वैसा एज परसेंट दे सकते हैं। तो जैसे आपने बोला हर बंदे को अपना अपना वर्क डिसाइड करना चाहिए कि मैं किस में अच्छा हूँ, तो वैसे आप उस इंडस्ट्री में अच्छे हो और हम लोग बाकी हमारे प्रोडक्शन और वो चीजें में हम लोग कुछ बातों में एक्सपर्ट है, तो वो एक हो सकता है कॉम्बिनेशन, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके ओके आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल यही था कि आपके इंडस्ट्री से हम लोगों को ऐसा हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली आप ये सारे प्रोग्राम मिस मत करो, लास्ट सेशन में मैं आपको सामने अपना एडवांस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करूंगा और मैं बताऊंगा किस तरह से सफल आप लोगों के साथ काम कर सकती है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सफल से अपने सफल के नेटवर्क में अपना डेटाबेस और जनरेट करने के लिए, तो वो लास्ट सेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी सेशन आपने कोई भी मिस मत करो, अगला सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है सर, उस वक्त रेनी सीजन चालू है ना हमारा सर? नहीं नहीं वो अगला सेशन जो आ रहा है ना शनिवार को, अगला सेशन जो आ रहा है ना शनिवार के दिन जो है शाम का 6-8 वो ब्लॉक करके रखो, दो ही सेशन हमारे बाकी हैं। मिस क्यों हुआ था? अभी रेनी सीजन चालू है ना इस वजह से मिस हुआ था। ओके नो प्रॉब्लम, मिस नहीं बोल रहा, अगला सेशन अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके नेक्स्ट कौन है जो बोलना चाहता है? सलमान जी अनम्यूट करो। गुड इवनिंग, नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम डी चेन्ना है। डी चेन्ना जी, यस 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 यस। हाँ साहब, अभी अभी जो व्यक्ति ने बताया कि कुछ ना कुछ जो प्रोफेशन या बिजनेस है सलमान साहब वो हमारे पास है, बट उसको एक्सपांड कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसमें आपकी महारत है और आपके पास कुछ यूनिक टेक्निक्स और स्किल्स ऑलरेडी है जो अभी हमें समझ में आया। आपने जो एक अच्छा टिप दिया कि फेसबुक में एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जहां कम से कम जो है मे बी 1,00,000 से 10,00,000 लोग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन शॉर्ट मैं बताऊं तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करता हूं जो हाई एंड प्रोडक्ट है और अपर मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बिल गेट्स और ऋतिक रोशन यूज करता है। अभी मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं वो हर एक बंदे के फ्लैट में वो प्रोडक्ट को पहुंचाऊं, तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स चाहिए कि जो रईस हो, बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बड़े फ्लैट में रहते हो, तो इनका डेटाबेस मुझे कैसे मिलेगा? राइट तो अभी जो अपना अगला सेशन हो रहा है अगले शनिवार को सेल्स एंड मार्केटिंग, वो सेशन मिस मत करना, बहुत पावरफुल सेशन होगा, वो बहुत पावरफुल सेशन होगा। तो वहां से मुझे मिलेंगे लीड? हाँ मैं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा लीड कैसे मिलेगा। उस सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो डेटाबेस के बारे में ही बात करेंगे, हार्ड कोर डेटाबेस कैसे मिलेगा।
नहीं पैसे वाला डेटाबेस चाहिए, अभी आपका जो मशीन है 2.5-3 लाख के बीच में अमाउंट आता है उसका। हाँ जी हाँ जी राइट। तो अपने को अच्छे मोटे पैसे हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, इसीलिए मैंने कहा नहीं चलेगा। करेक्ट, तो वो क्लाइंट कहाँ से मिलेगा वो तो वो आपको अगले सेशन में पता चलेगा। तो सेशन हर एक सेशन एक दूसरे का लेयर है, तो उसको मिस मत करना। ओके, आज टीम बताया अगला सेशन हमारा वो आएगा लीड पे काम करेंगे, लीड कहाँ से लाएंगे। ओके, वो क्लैरिटी मिलेगी राइट। उसके बाद मैं 90 डेज का चैलेंज एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, एडवांस प्रोग्राम, उसमें फिर हम लोग मिलकर काम करेंगे जो सारे लोग बता रहे हैं कैसे करना। यस यस, थैंक यू सलमान, थैंक यू थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट कौन बात करना चाहता है, अनम्यूट करो अपने आपको और बोलो जिसको बोलना है। यस भागवत प्रसाद जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, मैं अनलॉक करता हूँ। ठीक है, अभी अनम्यूट करो जिसको बोलना है, जिसको जो भी सवाल है अनम्यूट करके बोलो। शर्मा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नाम बताइए। हरविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, मैं बॉम्बे से। यस हरविंदर जी। अच्छा सर जी, अभी मैं तो सर प्रॉपर्टी फील्ड में हूँ, तो अभी आप बताइए कि इसमें भी हम लोग कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी, अभी किस तरह से वे ऑफ वर्किंग क्या है हमारा, किस तरह से काम कर रहे हो आप? सर अभी तो सर जैसा है कि मेरा पास में क्या कुछ बिल्डिंग है उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं फिलहाल तो। लेकिन मुझे अभी अभी एट प्रेजेंट अभी आगे अभी लास्ट 2-3 महीने से तो कोई बिजनेस हुआ नहीं है। हाँ जी, तो अभी आगे इसको कैसा आगे देखा जाए, बिकॉज अभी आप भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी फील्ड अभी लोगों ने नेगेटिव बना दिया है, लेकिन हम उसको नेगेटिव वे से नहीं देख रहे, बिकॉज प्रॉपर्टी सबके लिए जरूरी है राइट सर। बराबर है, तो इसको हम कैसे इसको आगे जैसा भी कस्टमर को कैसे अप्रोच किया जाए। जैसा कि मैं अभी ये मैंने एक्चुअली कभी जिंदगी में डिजिटल वे से कभी काम नहीं किया था, लेकिन अभी 90 डेज में मैंने कुछ सीखा है, तो डिजिटल वे से जैसा फेसबुक से काफी अच्छा बिजनेस आता है, मैंने सब बना के रखा लेकिन नहीं यूज किया था। लेकिन उसके अलावा और कैसे डिजिटल के अलावा और कैसे हम इसको अप्रोच किया जाए प्रॉपर्टी को, मतलब कैसे हमारा बिजनेस को डेवलप किया जाए। अभी पहले तो ये समझो अपने को जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी अपना सेशन है आज टीम बिल्डिंग का, ठीक है, और अपने जो सवाल आ रहे हैं वो सेल्स से रिलेटेड आ रहा है। okay, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का एक सेशन हमने पूरा रखा है पूरा अगला, हार्ड कोर सेल्स एंड मार्केटिंग बात करेंगे। टीम से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछो। अभी अभी हाँ, अभी आप टीम की बात कर रहे हैं, और हमारा ऐसा है कि अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, मेन काम अभी जो भी सबने ये सवाल किया तो हमने भी ये सवाल कर दिया। अभी हमारे फील्ड में कैसा है कि हमारे फील्ड में हम ये जो इंसेंटिव है सब करते हैं, फिलहाल मेरे पास जो स्टाफ है ना वो काम करते हैं ना, तो मैं उनको सैलरी भी देता हूँ और प्लस मैं उनकी मोटी कमीशन भी देता हूँ, बिकॉज आई वर्क विद द फोर्ब्स कंपनी, जो इंसेंटिव के मामले में जो टेक्निक है वो हमको सब पता है, वो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ और वो टेक्निक यूज करता हूँ। लेकिन लड़के लोग को क्या था? उनको लगता है कि इतना लालच है, सपोज फॉर एग्जाम्पल उनको पता है कि एक डील में अगर अगर मुझे 1 लाख रुपए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और वो सोच रहा है कि सेठ 1 लाख रुपए कमा रहा है, हमको खाली 10,000 रुपए दे रहा है, तो उनको लालच आता है। तो उस मामले में हम उनको ट्रेन करते हैं, बाद में क्या करते हैं वो फिर अपना यहाँ से 2-4-5 महीने में अपना काम छोड़ के अलग काम करते हैं, या तो फिर काम करते हैं यहाँ, फिर हमको लीकेज दिखाते हैं। इसमें हम कितना भी उसको उसको मॉनिटर कर लेंगे, उसको कितना भी देख लेंगे भी तू ये कर रहा वो कर रहा, मुझे डेली रिपोर्टिंग करो, मुझे ये करता वो कॉन्टेक्ट नंबर दो, पर ये फील्ड के अंदर हम लोग मतलब वो चोरी कर लेते हैं, मतलब इंडायरेक्टली हमारा फील्ड में इस तरह से। तो इस तरह से आप इसमें हमको किस तरह से हमें वो ये किया जाए? अभी मेरे को ये बताओ, अदर देन सैलरी दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहा है उनके लिए? मैं सैलरी दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल एग्जांपल है, अगर आपने एक रेंटल में किया तो मैं उसको स्ट्रेट अवे जो भी सुनो सैलरी दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो? नहीं, सैलरी प्लस इंसेंटिव दे रहा हूँ मैं, उसके अलावा क्या कर रहे हो आप? सैलरी और इंसेंटिव दे रहा हूँ, उसके अलावा जो गाड़ी का अलाउंसेस दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा हूँ उसको। हाँ जी बराबर ना, तो अपना फोकस पैसे पे रोकड़े पे, रोकड़ा मैटर नहीं करता है। हाँ जी, रोकड़ा मैटर नहीं करता है। ओके, मराठी का लड़का मद्रासी लड़की से शादी कर लेता है, परिवार बताया था मत कर, वो गुजराती के साथ चला जाता है, वो मुसलमान के साथ, वो हिंदू के साथ, वो इसके साथ, घालमेल बराबर के नहीं है, और हम क्यों जाता है आदमी, क्यों कनेक्ट होता है, इमोशन से जुड़ता है आदमी राइट सर। फिर हम बोलते हैं कि अकल नहीं, किसी लड़की के साथ घूम रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता कुछ, बराबर बोलते ना, तो दिल लगी बोलते ना, कुछ इस तरह की बातें करते हैं राइट। तो ये क्या होता है, इमोशन से, हर आदमी इमोशन से बना हुआ है, हम सब इमोशन से, ये माल बेचना है तो भी इमोशन पे बिकेगा, रिश्ते बनाना है तो भी इमोशन पे बनेंगे, बराबर है। तो
अदर देन सैलरी पे फोकस करो, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, अदर देन सैलरी। अभी मेरे पास जो टीम है ना, मेरे पास जो टीम है वो मेरे को बोलती है, कई साल पहले की बात है, मेरे को लोगों ने बोला कि सलमान सर 31st नाइट को अपने को चलना है, 31st का दिन चाहिए आपको, 31st सेलिब्रेट करना। बोला ठीक है करेंगे, राइट। 31st के दिन उन्होंने, मैंने मेरी गाड़ी ली, एक और गाड़ी ली, मैंने दो गाड़ी भर के लेके गया इन लोगों को। मैं ये लोग बोले मुंबई दर्शन करना है, मेरा ठीक है। नेहरू प्लानिटोरियम गए हम लोग, वहां पर देख कुछ जो भी साइंस वो जो चलता है सब देखा, स्टार वगैरह। फिर वहां से निकल के लोग हैंगिंग गार्डन रुके, मैं हैंगिंग गार्डन में थोड़ी देर बैठ के ऐसा एंजॉय कर रहा था नेचर को। ये लोग क्या कर रहे थे, गए वहां पर मोबाइल लिया टिक, यहाँ से टिक, फोटोज लिए उन्होंने बैठ के, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, भाग भाग के पिक्चर्स लिए उन्होंने। लड़के सब बोले सर चलो, और लेके भाग रहे। अरे मतलब थोड़ी देर तो थोड़ा तो एंजॉय करो, नहीं अभी वहां चलना है। फिर वालकेश्वर गए, वो जूता घर जो है ना, शू बना हुआ है, हैंगिंग गार्डन निकाले। फिर हैंगिंग गार्डन, वहां हैंगिंग गार्डन गए, फिर नरीमन पॉइंट गए। मतलब पूरा दिन मेरे को सुबह से लेकर शाम तक ना लोगों ने, बाद में शाम में गेटवे गए, फिर ताज में भी लेकर गया मैं। ये लोग क्या कर रहे थे, मैं देख रहा था, मैं मेरे सामने देख रहा था यार, इसको एंजॉय करो, लेकिन इनका काम था खाली फोटो निकालना है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। पूरा दिन दौड़ाया इन्होंने मेरे को, इनको दौड़ने में मजा आता है और मेरे को एक जगह पे बैठ के खाने पीने में मजा आता है, लेकिन मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना है, मतलब तुमको जो करना है वो करो। और ये मजे के लिए लोग आते हैं अपने पास। अभी ये टारगेट करो, 3 महीने टारगेट है, फिर 3 महीने का तुमको कहाँ चलना है, गोवा चलेंगे, गोवा बीच पे अपन धमाल मस्ती करेंगे, ये करो, फिर कहाँ चलना है, फिर अपने मजा मस्ती के लिए लोग आ रहे हैं अपने पास। समझ में आ रहा है, पैसा हर जगह मिल जाएगा, मजा मस्ती नहीं मिलेगी, मजा मस्ती अदर देन वो कल्चर देना है आपको, वो एनवायरमेंट देना है। एक बार करके देखो सर, आप सर नेक्स्ट टाइम उनको रिसोर्ट में लेके आइएगा। सर आप जो बोल रहे हो ना, सर आप जो बोल रहे हो ना, हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, मनीषा बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम सबको रिसोर्ट पे लेके आइएगा, ये मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मनीषा मैम के रिसोर्ट में जाना है सबको, ऐसा अभी अभी आपको मैं अभी आपको ये बोल रहे हो ना, अभी आप जो बोल रहे हो रिस्क मजा करना है। सर ऐसा है कि अभी अभी जैसा है कि आपको पता है यूरोका फोर्ब्स की स्टाइल कैसी है, खाना पीना और इंसेंटिव देखिए हाथ में, और प्लस एंजॉय करना पार्टी नाइट लाइफ उनको हर जगह पे भी करने के बाद में भी क्या होता है, फिर जब ये जो हम कर चुके हैं फिर भी इसके बाद में वो मजा नहीं आता है, मतलब उनको घुमाना फिराना इंसेंटिव लगाना, ओवरनाइट पिकनिक हो गया, हाँ जी, फिर उनको बार में ले जाना अच्छे से अच्छे, मतलब ढाबे में खाना खिलाना जाके, हाँ जी, वो सब अपनी गाड़ी में जाके, बट फिर भी क्या होता है इनको ये लालच रहता है कि भाई काम नहीं हो पाता है। मतलब अभी मेरे पास में एक लड़का काम करता है, मेरे पास लड़के काम करके तो कोई यूरोप चले गए, तो कोई दुबई चले गए, तो कोई मतलब अफ्रीका में है अभी, लेकिन ऐसा है कि कोई लड़के जो है ना अभी क्या था काम नहीं कर पाते और उतना पोटेंशियल नहीं दे पाते उनसे उतना, या तो मतलब वो गाय बन जाते हैं या तो फिर अपना अपने आप में ही रहते हैं, ऐसा है। तो इस मामले में एक चीज ध्यान में रखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक टीम बिल्डिंग सीखना, तो जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जी में क्या होता है, हर साल 20% छटनी होती, नीचे निकलते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं, राइट। तो वॉलंटियर जो कल्चर मैंने बताया वो लोग लेकर आओ। अभी उसमें क्या होगा, हर आदमी अच्छा नहीं मिलेगा, उसमें एक ही आदमी अपने को हीरा मिलेगा, अपने को डायमंड्स तलाशना है। जो मल्टी लोन बताते ना, कंकर से बड़ा, हाँ जी, गाड़ी खड़ी है, टेम्पो खड़ा है, उसमें अपने को हीरा ढूंढना है। तो क्या पूरा टेम्पो बदल दोगे, नहीं, तुम एक पत्थर उठाओगे फिर एक पत्थर उठाओगे फिर एक पत्थर उठाओगे, उसमें तुमको एक डायमंड मिलेगा, उसमें तुमको एक सुनील मिलेगा 100 लोगों में, फिर तुमको एक राज मिलेगा, फिर तुमको एक शर्मा मिलेगा, फिर तुमको एक मनोज। समझ में आ रहा है? अपना सेटल हो गया है, अभी हमारे पास में काम करते हैं 2-3 साल काम करते हैं, बाद में फिर अपना काम चालू कर लेते हैं। तो वो क्या था, हीरो बन के क्या था, हीरा बन के वो अपना अपना, मतलब अभी देखा कैसा, अभी आपने कैसा दीपाली का एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, सेम स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करते थे, और लड़का पहला स्टार्टिंग में आएगा 10,000 से 4,000 से काम चालू किया मेरे यहाँ से, और आज की तारीख में वो महीने का भी 4,00,000 रुपए कमा सकता है इस तरह से। तो सोच रहा है कि मैं 4,00,000 रुपए सेट को कमा के दे रहा हूँ तो क्यों ना मैं खुद करूँ, मतलब उनके दिमाग में इस तरह का मतलब ग्रीडनेस आ जाता है। तो उस मामले में हमें कैसा प्रोडक्शन करना है, देखो अपने लोगों को पार्टनर बना दो, अपना फ्रेंचाइज अपने अपने अम्ब्रेला में ले लो, अपने अम्ब्रेला में ले लो, वो कहीं और जाके धंधा करे, स्ट्रगल करे, उनको दे दो, बोला तू डेवलप कर, चल मैं लगाता हूँ, तू बिल्ड कर अपना बिजनेस, अगर अच्छे लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हाँ आपने पार्टनर, ठीक है, ओके नेक्स्ट, और कौन है, किसको बोलना है, अनम्यूट करो और बोलो किसको बात करनी है। नंदन जी आपको कोई सवाल है, साहिल जी, साहिल जी बोलिए, आप काफी टाइम से बोलना चाह रहे हैं, साहिल जी शायद मनीषा जी हैं, शायद ये है ना, हाँ यस यस मनीषा,
अच्छा ओके ओके हाँ तो मनीषा जी आपके रिसोर्ट पे जल्दी आएंगे जब खुलने का मनीषा जी आपका नंबर देके रखिएगा आपका नंबर देके रखिएगा मनीषा जी आपके रिसोर्ट का 940 एक सेकंड मैं लिख लेता हूं 940 365 मनीषा जी ना ये पुना के पुना और मुंबई के बीच में हिल स्टेशन है प्राइवेट हिल स्टेशन गिरीवन उस पे ये रिसोर्ट है और पूरा नेचर में है इट्स एब्सोल्युटली इन द नेचर और रेनी सीजन में तो बहुत फैंटास्टिक रहता है इट्स पिच ग्रीन पूरा लेकिन अभी ये कोरोना के कारण थोड़ा सा अभी गड़बड़ है पूरा ना तो शायद मैं बंद करके रखूंगी महीना भर देखते है लेट्स सी आई लेट यू नो मैडम इसके चार्जेस क्या है रिसोर्ट के हेलो मैडम मैं 2 मिनट बोल सकता हूं आप पर्सनली मुझे ये नंबर मैडम का नंबर ले लिया उनसे पर्सनली बात करना ठीक है हां हां जी बोलिए मैडम संदीप जी बात कर रहा हूं सर एक्चुअली गुड इवनिंग संदीप भाई बोलिए गुड इवनिंग एक्चुअली जो अभी मैडम बोली ना गिरीवन हां हां उसके बाजू में मैं रहता हूं सर पुणे में अच्छा क्या बात है तो नंबर तो मिल गया आपको मैडम क्या बात नंबर मैडम को मिल गया मैं मैडम को जाकर मिलता हूं वहां पे और सर आपसे भी थोड़ा सा बात करना था मैं थोड़ा अकेले में बात करूंगा सर बाद में डेफिनेटली हम बात करेंगे फोन पर बात करेंगे मेरा पेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना उसके बारे में आपसे बात हुई थी हां मैंने कॉल लगाया था बात नहीं हो पाई थी हमारी शायद अपडेट हां मुझे मैडम ने बताया सर हां कोई और किसको सवाल करना है तो पूछ सकते हो अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट और हम कनेक्टेड हैं तो जितना बेनिफिट ले सकते हो लोग कुछ चीजें इसका सर्वे तो चीजें निकल कर आएंगे अच्छा सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का जो सेशन हुआ ना सर जी आप उसका अलग से एक पीपीटी पूरा भेजेंगे ना मतलब रिकॉर्डिंग मत भेजिएगा रिकॉर्डिंग के साथ में आपकी पीपीटी आती है एक अलग से पीपीटी भेजेंगे ना तो जरा ये हमें जरा अच्छा रहेगा बिकॉज अभी क्या होता है अभी मेरा भी ऑफिस चालू हो गया है तो आपको मतलब सुनना होता तो हमको ऑलरेडी नेट की जरूरत होती है तो ये आपको हम वापस से देख सकते हैं आप अगर एक पीपीटी मतलब मेल कर देंगे या तो व्हाट्सएप भी कर देंगे ना तो जरा अच्छा रहेगा तो पॉइंट्स पे आपको लास्ट सेशन की पीपीटी नहीं मिली थी क्या लास्ट सेशन की अलग से पीपीटी नहीं सर पीपीटी नहीं मिली तो मैं पीपीटी भिजवाता हूं मैंने बोला था शायद मिस हो गया होगा तो मैं पीपीटी भिजवा देता हूं सबको मिलेगा सबको मिलेगा ठीक है जी हां और आपका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि मतलब कि आपको ऑनलाइन पे ही सुनना पड़ सकता है ऐसा कुछ है कि आपको कि हमने डाउनलोड करके रख लिया आपका और हम सुन सकते हैं आपके पॉइंट्स को ऐसा जब भी मन करेगा ऐसा नहीं आपको लिंक भेजा तो आप देख सकते हो ना उसमें वीडियो नहीं लिंक भेजा तो फिर उसके लिए इंटरनेट जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या नेट घर पे बैठा हूँ तो नेटवर्क का इशू है अभी मैंने दोनों जगह लॉगिन किया था आपको लैपटॉप पे भी और डेस्कटॉप पे सेम प्रॉब्लम तो आपको क्या है फिर वो नेटवर्क का इशू हो जाता है तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी मन करेगा मन शांत है उस वक्त लेकिन नेटवर्क नहीं है तो फिर उस वक्त फिर हमारा शांत दिमाग आपको से सुन सकते हैं आपको याद कर सकते हैं कुछ बातें होती है मतलब आप समझे ना हाँ जी ठीक है आप ये आप चिंतित रहिए कि हम शेयर नहीं करेंगे इट विल बी सीक्रेट डेफिनेटली ऑब्वियसली आपका भी ठीक है प्लीज ओके मनीषा जी आपका लोग रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि रिसोर्ट का नंबर भेजो आपको बहुत सारे लोग तो मिल यही मिल गएगा vanaviahar.com vanaviahar.com vanaviahar vanaviahar.com मेरा नंबर है मनीषा जी 940 मैडम चैट बुक में टाइप कर दीजिए हां ठीक है हां चैट बुक में टाइप कर दीजिए क्योंकि सरिता जी भी आपका नंबर पूछ रहे हैं कई सारे लोग पूछ रहे हैं तो आप नंबर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं यहीं पे मिल गए आपने जब बात की है तो लोग आना चाहते हैं रिसोर्ट में और नेक्स्ट वीक जब आप वीडियो बनाओगे तो शायद लाइन लग जाएगी आपको जगह नहीं मिलेगी उसकी बुकिंग लेने के लिए बिल्कुल थोड़ा मैडम आपको ये बोलना चाहूंगा मैडम दूसरा ये आपको बोलना चाहूंगा मैं हाँ जी थोड़ा आपको ये बोलना चाहूंगा कभी भी ना कोई भी चीज को ना मत बोलिए कि मेरा रिसोर्ट अभी क्लाइंट नहीं है ये नहीं है इससे क्या होता है आपको सॉरी मैं एक्चुअली मैं सर को एक पीच कर रहा उससे क्या होता है आप अपने ब्रेन को ना नेगेटिव अप्रोच दे रहे ओके ठीक है कभी भी जीवन में ना ये काम मुझे बहुत बहुत, बहुत बारिश गिर रही है बी ए प्रोएक्टिव डोंट बी ए रिएक्टिव ओके ओके हाँ जी okay. अगर आपको लगता रहेगा ना तो 7 हैबिट्स की बुक को पढ़ लीजिएगा प्रोएक्टिव okay. बनिएगा और कभी भी किसी भी चीज को ना मत जैसे आप ना बोलोगे ना कि मैं बस okay. मेरा कंगाल हो गई हो मेरा को ऐसा हो गया आप अपने आप से कंप्लेंट मत कभी कीजिएगा कंप्लेंट जिसने किया ना और आपका माइंड वही आपको पकड़ लेगा आपका माइंड को ठीक है जी okay, तो कभी भी आप सॉरी okay. मैं आपको सर्विस में नहीं, आपको जरूर, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इट्स वेरी वैलिड जीवन में अपने आप को अपने आप से जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करना आप बताइए कि मैं बहुत खुशहाल हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है इस तरह से आप अपने माइंड को कमांड कीजिएगा एब्सोल्युटली सर थैंक यू वेरी मच डेफिनेटली आई विल डू अरविंदर जी आपका भी नंबर दीजिए करके हाँ सर ठीक है सर हाँ मेरा मैंने नंबर डाला मैंने हरविंदर सिंह हरविंदर प्रॉपर्टी के फिर से मैं डाल देता हूँ ठीक है सर डाल दीजिए नीलेश जी आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप कौन बोल रहे हैं डी चैनल ना डी चैनल ना
हरविंदर जी मुझे बताइए आपकी ढाई लाख की मशीन है ना, बात कर लेंगे, आप भी नंबर डाल दीजिएगा सर, ठीक है जी। और ये जो सेशन के हमारे जो सब लोग मेंबर्स हैं, ये डाटाबेस भी हम शेयर करेंगे ना एक दूसरे के साथ में, ताकि हर एक का प्रोफाइल पता चले, तो एक दूसरे के साथ में हम लोग भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो अपना ना। हाँ गुड मैडम, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। हाँ ये सब बनेगा, आप पहले सेशन अटेंड करो सारे, काफी बड़ा ग्रुप बनेगा, काफी सारे लोग मिलेंगे सेशन के अलावा भी, बहुत से लोग मिलेंगे आप लोगों को इस बैच में आ गए आपको, ठीक है। मुझे लगता नहीं अब शायद किसी और को कोई सवाल है, अगर है तो पूछ लो, हम लोग 7 मिनट्स और कनेक्टेड हैं तो। और अगर नंबर आप लोग शेयर कर सकते हो तो शेयर करो चैट बॉक्स में, ताकि आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। और दीपाली मैडम फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस सेशन, वेरी नाइस सेशन सर। एक मिनट मनीषा जी का जरा नंबर नोट कर रहा हूँ, एक मिनट जरा। थैंक यू सर, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा था, आई एम वेरी हैप्पी, आपका अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट करता हूं मैं। थैंक यू तो नंबर नोट डाउन कर लो, जो भी आपको लेना है या प्रिंट स्क्रीन ले लो उसका।